शार्क टैंक इंडिया से कौन परिचित नहीं है। सीजन वन ने ही इतना तहलका मचाया था कि घर घर में बिजनेस की बात होने लगी, एंटरप्रेन्योरशिप की बात होने लगी। शार्क सभी के फेवरेट हो गए और सभी शार्क्स में एक शार्क हटकर भी थे जिनका नाम है अश्नीर ग्रोवर, क्योंकि बाकी शार्क से उनका बात करने का अंदाज बिल्कुल अलग था, बिल्कुल साफ और बिल्कुल बेबाक। कभी कभी ऐसा लगता था कि कुछ ज्यादा इंसल्ट कर देते हैं। मगर यह बात भी उतनी ही तय है कि अश्नीर ग्रोवर के फैंस भी बहुत ही ज्यादा हैं। पर कमाल की बात है ना कि एक तरफ उनकी फेम बढ़ रही थी और दूसरी तरफ उनकी लाइफ में बहुत कुछ घट रहा था, क्योंकि जैसे ही सीजन एंड हुआ तो हमने सुना कि अश्नीर को भारत पे से रिजाइन करना पड़ा। मीडिया में कई तरह की खबरें आई, सोशल मीडिया में कई तरह की अफवाहें फैली। खुद अश्नीर की जब क्लिप्स या रील्स या शॉर्ट्स में हम देखते हैं तो उनके कहे सेंटेंसेस से पूरी कहानी समझ में नहीं आती है ना। मगर आज ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज हम आपके लिए एक समरी नहीं, एक बॉम्ब लेकर के आए हैं। तो आज की बुक समरी है दोगलापन, द हार्ड ट्रुथ अबाउट लाइफ एंड स्टार्टअप्स, जिसे लिखा है अश्नीर ग्रोवर ने। पर जैसा कि हमने आपको पहले कहा कि ये बुक नहीं है, ये तो एक बॉम्ब है। हम में से कौन है जिन्होंने टीवी और सोशल मीडिया पर अश्नीर ग्रोवर के बारे में फेक न्यूज और कंट्रोवर्सीज को नहीं सुना। मगर आज इस समरी के जरिए आप खुद अश्नीर की जुबानी सच्चाई सुनेंगे, कैसे उन्होंने भारत पे को वो कंपनी बनाया जो वो आज है, कोटक बैंकर्स के साथ प्रॉब्लम की शुरुआत कैसे हुई, कहां से आई वो वायरल ऑडियो फाइल जो ट्विटर पर पब्लिश की गई थी, किन घटनाओं की वजह से अश्नीर ने कंपनी से रिजाइन कर दिया, इन तमाम सवालों के जवाब आज आपको इस समरी में मिलेंगे। समरी शुरू करूं उससे पहले अश्नीर ग्रोवर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हालांकि आप जानते हैं मगर फिर भी, अश्नीर ग्रोवर भारत पे के फॉर्मर को फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इससे पहले वो कोटक बैंक में इन्वेस्टमेंट बैंकर और ग्रोफर्स में CFO के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने IIT दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उसके बाद IIM अहमदाबाद से MBA का कोर्स किया। अश्नीर शार्क टैंक इंडिया के पहले सीजन में पैनल मेंबर भी थे। वो $240 मिलियन की इक्विटी के साथ भारत पे में एक एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर और भारत पे में सबसे बड़े इंडिविजुअल शेयर होल्डर हैं। आइए अब करते हैं शुरुआत आज की समरी की, जिसका टाइटल है दोगलापन, बाय अश्नीर ग्रोवर, ओनली ऑन गीगल। सक्सेस फेलियर है और फेलियर सक्सेस है, अश्नीर ग्रोवर के लिए दोगलेपन के यही मायने हैं। ये बुक उनके पर्सनल ओपिनियन पर बेस्ड है, जिसमें वो अपने हिस्से का सच रीडर्स के सामने रखने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि उनके फेलियर और सक्सेस में किन किन लोगों का इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इस समरी के दौरान आपको कई तरह के इमोशंस फील होंगे, जैसे एक्साइटमेंट, गुस्सा और शॉक। अपनी बुक के जरिए अश्नीर बिना किसी लाग लपेट के खुलकर अपनी बात रखते हैं कि कुछ लोगों के बारे में उनकी क्या राय है। आप उन्हें पसंद करते हैं या नापसंद, यह आप पर है। उनका मकसद सिर्फ इतना है कि वो इस बुक के जरिए दुनिया को अपने हिस्से का सच बताना चाहते हैं। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी के कैसे वो कंपनी के को फाउंडर से मिले, स्टेप बाय स्टेप एक कंपनी खड़ी की, सफलता की ऊंचाइयों को छुआ और अपने हक के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी और आखिर में कंपनी से रिजाइन कर दिया। वैसे आपको बता दें कि अश्नीर ग्रोवर अभी भी भारत पे के लार्जेस्ट इंडिविजुअल स्टॉक होल्डर हैं। कंपनी से कॉन्ट्रोवर्शियल एग्जिट के बावजूद ये कहना गलत नहीं होगा कि वो एक एक्सपीरियंस्ड फाउंडर, एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर हैं, और हम एक रीडर के तौर पर उनके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये जर्नी इस पहले चैप्टर से, भारत पे दी जेनेसिस। जून 2018 में अश्नीर ग्रोवर को अपने IIM अहमदाबाद व्हाट्सएप ग्रुप से एक मैसेज मिला। ये मैसेज विपिन अग्रवाल का था, जो एक चाइनीज फंड फोजन के लिए काम कर रहे थे। मैसेज में लिखा था कि हम जिस फिनटेक कंपनी को फंड कर रहे हैं उसके शुरुआती स्टेज के लिए एक CEO की तलाश में हैं। अगर तुम्हें इस पोजीशन में इंटरेस्ट हो तो हमें बताना। इस मैसेज को पढ़ने के बाद अश्नीर का पहला रिएक्शन था कि अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट के लिए उन्हें CEO की जरूरत क्यों पड़ रही है। वो थोड़े हैरान थे, इसलिए उन्होंने रिप्लाई किया और मीटिंग के लिए पूछा। कुछ ही दिनों बाद भाविक कोलाडिया और शाश्वत नाकरानी के साथ IIT दिल्ली कैंपस में उनकी मीटिंग हुई।
अश्नीर ने सोचा था कि मीटिंग ज्यादा से ज्यादा घंटे भर चलेगी, लेकिन मीटिंग 4 घंटे तक चली। भाविक और शाश्वत एक दूसरे को काफी टाइम से जानते थे। दोनों भावनगर गुजरात से थे। शाश्वत के पिता एक इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते थे, भाविक के इंस्ट्रक्टर थे। शाश्वत ने अभी अभी IIT दिल्ली से अपना 3rd ईयर कंप्लीट किया था, जबकि भाविक 5 साल बड़े थे और उनके साथ हॉस्टल में रह चुके थे। दोनों ने IIT दिल्ली के 3 स्टूडेंट्स के साथ UPI हैकेथॉन जीता था। भाविक ने अश्नीर को समझाया कि सारे UPI पेमेंट ऐप एक सिंगल QR पर चल सकते हैं। इस आइडिया में दम तो था, क्योंकि मनी ट्रांसफर कस्टमर से कस्टमर और कस्टमर से मर्चेंट तक सेम प्रिंसिपल पर काम करता था। उस टाइम पेटीएम और फोन पे मर्चेंट से हर ट्रांजेक्शन पर 2% चार्ज कर रहे थे। भावे के चार्ज को कम करके 1% तक करना चाहते थे, ताकि वो मर्चेंट्स को अपना नया ऐप यूज करने के लिए अट्रैक्ट कर सके। अश्नीर ने कहा कि अगर वो लोग 1% चार्ज करते हैं तो वो गेम चेंज नहीं कर पाएंगे और ना ही सक्सेसफुल हो पाएंगे, क्योंकि अगर किसी कॉम्पिटिटर ने लास्ट में 0.9% रेट सेट कर दिया तो इस बात की होड़ लग जाएगी कि कौन सबसे कम रेट दे सकता है। यहां ये बात साफ थी कि भाविक सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे, जबकि अश्नीर बिजनेस साइड देख रहे थे। अश्नीर ने सजेस्ट किया कि अगर वो लोग सेलिंग के बजाय डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस करें तो कुछ बात बन सकती है। वो अपनी सर्विस फ्री रख सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मर्चेंट्स उनका ऐप यूज करें। भाविक को एहसास हुआ कि उन्हें अपनी कंपनी को बनाने के लिए अश्नीर जैसे ही को फाउंडर की जरूरत है। उन्होंने और शाश्वत ने 2 महीने पहले ही कंपनी स्टार्ट की थी और दोनों ने मिलकर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, लेकिन भाविक CEO नहीं बन सकते थे, क्योंकि उन पर US में क्रेडिट कार्ड फ्रॉड का चार्ज लगाया गया था। भाविक को पता चला कि अगर आपको किसी का सोशल सिक्योरिटी नंबर पता चल जाए तो आप उनका क्रेडिट कार्ड अपने पास डिलीवर करवा सकते हैं। इसके लिए किसी ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। भाविक के दोस्त ने इस थ्योरी को ट्राई करने के लिए कुछ क्रेडिट कार्ड्स एक्सेस करने की कोशिश की थी, लेकिन FBI ने भाविक को पकड़ लिया। अब यह नया फिनटेक उनके लिए एक मौका था खुद को साबित करने का। अश्नीर को फ्री सर्विस में बड़ा पोटेंशियल नजर आ रहा था। मर्चेंट्स के बारे में उनकी इन्फॉर्मेशन लोन और बाकी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफर करने के लिए यूज की जा सकती थी। जहां तक कंपनी शेयर्स की बात थी तो दोनों के ही 33% शेयर थे, लेकिन अश्नीर को लगा कि शाश्वत अभी बहुत छोटा है और उसे ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, इसलिए इस बिजनेस में वो ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि भाविक और शाश्वत दोनों को बराबर बराबर 24% मिलेंगे और अश्नीर को 34%। बात गलत नहीं थी, क्योंकि अश्नीर एक इन्वेस्टमेंट बैंकर होने के नाते काफी एक्सपीरियंस थे और कोटक बैंक और ग्रोफर्स में वो CFO रह चुके थे। फोजन ने उन्हें पहले इन्वेस्टमेंट के लिए $250,000 ऑफर किया, लेकिन अश्नीर ने अमाउंट बढ़ाकर $2 मिलियन करने को कहा। ये डील फिर हो नहीं पाई तो अश्नीर ने दूसरा इन्वेस्टर ढूंढने का इरादा किया। उन्होंने भाविक और शाश्वत को कहा कि वो फंड रेजिंग खुद हैंडल कर लेंगे। हमारा प्रोडक्ट पेटीएम, फोन पे, पाइन लैब्स और जितने भी मर्चेंट सर्विसेज हैं सबसे बड़ा होगा। अपने पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए ये अश्नीर की पिच थी। जिस इन्वेस्टर के पास वो सबसे पहले गए वो थे MX के संजय ऋषि। ऋषि 25 लाख इन्वेस्ट करने के लिए मान गए। अगले थे मुंजाल हीरो ग्रुप फैमिली के अक्षय मुंजाल। मुंजाल भी 25 लाख इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे। बाकी के जो शुरुआती इन्वेस्टर्स थे उनमें थे PayU के नितिन गुप्ता, मैजिक पेन वेंचर कैटलिस्ट और एंजल लिस्ट के अंशु शर्मा। टोटल मिलाकर अश्नीर ने 1.9 करोड़ का फंड जुटा लिया था। भारत के का पहला QR 15 अगस्त 2018 में रिलीज हुआ और उसके बाद से कंपनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नेक्स्ट चैप्टर है द बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब क्योंकि भारत पे सारे पेमेंट ऐप्स के लिए एक QR कोड ऑफर करता था, तो उन्हें पेटीएम, फोन पे, गूगल पे और बाकी के ऐप्स का लोगो अपने QR में लगाना पड़ा था। पेटीएम और फोन पे ने अपने लोगो का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें लीगल नोटिस भेज दिया। अश्नीर ने ट्रेडमार्क लॉ को स्टडी किया और उन्हें इसमें एक ऐसा क्लॉज मिल गया जो ये कहता था कि किसी और कंपनी का ट्रेडमार्क यूज किया जा सकता है अगर ये कंज्यूमर अवेयरनेस और एजुकेशनल पर्पस के लिए हो तो। पेटीएम को भी तुरंत ये बात समझ आ गई और उन्होंने अपना नोटिस वापस ले लिया। हालांकि फोन पे को अभी भी डाउट था। फोन पे के फाउंडर समीर निगम को लगता था कि पे सफिक्स पर केवल उनका हक है। उन्हें भारत पे नाम से प्रॉब्लम थी, इसलिए बाद में नए प्रोडक्ट का नाम पोस्ट पे कर दिया गया।
अश्नीर समझ गए कि उन लोगों को इनसिक्योरिटी है। भारत पे नाम बड़ी चालाकी से रखा गया था, ये कैची और आसानी से याद रखा जा सकता था। लोगों को ऐसा लगता था जैसे ये कोई गवर्नमेंट सर्विस है, क्योंकि ये फ्री था। ऊपर से भारत का नाम यूज होने से एक भरोसा जनरेट होता था। गवर्नमेंट जब भीम यूपीआई का नाम चूज कर रही थी तो असल में वो भारत पे नाम ही यूज करने का इरादा कर रहे थे। भाविक को जब ये खबर लगी तो उन्हें यह नाम अच्छा लगा और उन्होंने तुरंत इसे रजिस्टर कर दिया। फोन पे ने पे टर्म यूज करने पर भारत पे के ऊपर कॉपीराइट का केस फाइल कर दिया। ये केस 2 साल तक बॉम्बे हाईकोर्ट में चलता रहा, मगर अंत में जीत भारत पे की हुई। हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि पे टर्म पर सिर्फ फोन पे का राइट नहीं हो सकता है, क्योंकि पे एक कॉमन यूज होने वाला टर्म है। अश्नीर अपने प्रोडक्ट के लिए अर्ली टेक सॉल्यूशन निकालने में जुट गए। भारत पे के पहले क्लाइंट थे दिल्ली के फेमस कंप्यूटर मार्केट नेहरू प्लेस के 1000 मर्चेंट। शुरुआत में उन्हें अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए टेक सॉल्यूशन का एक जुगाड़ निकालना पड़ा। मर्चेंट्स के QR कोड भीम UPI ऐप पर क्रिएट किए गए और हर एक ट्रांजेक्शन का नोटिफिकेशन भाविक के फोन पर आता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अगर भाविक प्लेन से कहीं जा रहे हों तो उन्हें पूरी फ्लाइट के दौरान कोई नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। अश्नीर इसका रास्ता निकालना चाह रहे थे ताकि मनी फ्लो की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। उन्हें किसी बैंक के साथ टाई अप करना था ताकि जब कोई कस्टमर पेमेंट करे तो पैसा सीधे भारत पे के बैंक अकाउंट में चला जाए और बदले में वो लोग मर्चेंट को रियल टाइम में पे कर सके। सबसे पहले अश्नीर येस बैंक के पास गए। असल में जब वो ग्रोफर्स में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे तब उन्होंने उनके साथ बहुत काम किया था। भारत पे की सर्विस मर्चेंट्स के लिए तो फ्री थी, पर उन्हें इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रांजेक्शन के लिए यस बैंक को पे करना पड़ेगा। 2000 रुपए से ज्यादा के ट्रांजेक्शन पर 0.65% का रेट था। अश्नीर ने यस बैंक को भरोसा दिलाया कि वो लोग बिजनेस बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मर्चेंट्स को भारत पे के साथ जोड़ेंगे। भाविक ने यस बैंक मुंबई के ऑफिस में अपने इंजीनियर सेट कर रखे थे। 3 ITI स्टूडेंट्स जो शाश्वत के साथ आए थे उन्हें ESOP यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप दी गई थी। भाविक ने एक बाहरी टेक एजेंसी और शाश्वत के पिता के इंजीनियरिंग कॉलेज से कुछ ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स को भी हायर किया। वो लोग जितना हो सके अपनी टेक कॉस्ट बचाना चाहते थे। उसके बाद अश्नीर का काम था कि मर्चेंट्स को रियल टाइम में कैसे पे किया जाए। पहले मॉडल का गोल था मर्चेंट्स को लाकर अपने साथ जोड़ना, उनके बैंक अकाउंट का डिटेल लेकर उन्हें एक खास QR कोड के साथ वेलकम किट भेजना। इस काम को उन्हें जल्द से जल्द अंजाम देना था, इसीलिए अश्नीर को प्री प्रिंटिंग QR कोड का आइडिया आया। जैसे ही कोई मर्चेंट अप्रूव होता वो लोग उसका बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड एंटर कर देते। उसके बाद प्री प्रिंटेड QR कोड उस मर्चेंट के साथ ऑटोमेटिकली लिंक्ड हो जाता। पेटीएम और फोन पे हर ट्रांजेक्शन पर 2% चार्ज कर रहे थे। साथ ही वो ट्रांजेक्शन होने के बाद मर्चेंट्स को 2 दिन बाद पेमेंट भेजते थे। लेकिन भारत पे ने रियल टाइम पेमेंट और फ्री सर्विस के साथ सारा सिस्टम ही पलट दिया था। जैसे अगर आप स्टोर ओनर हैं तो आपको कस्टमर्स द्वारा पे किया जाने वाला पूरा पैसा मिलेगा, वो भी बिना कोई चार्ज या फीस काटे और तुरंत, यानी ऐप में कस्टमर के क्लिक करते ही उनके पास पैसा पहुंच जाता। भाविक टेक साइट संभाल रहे थे जबकि अश्नीर बैंकिंग रिलेशनशिप्स, फंड रेजिंग, मैनेजिंग स्ट्रेटेजी, नए प्रोडक्ट का लॉन्च और टीम बनाने में बिजी थे। इसलिए उन्होंने दूसरे को फाउंडर शाश्वत को अलग अलग शहरों में डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्ट लॉन्च करने की जिम्मेदारी सौंप दी। इस पॉइंट पर आकर भारत पे कई मर्चेंट्स और ट्रांजेक्शंस पर काफी इफेक्टिवली काम कर रहा था। अब कंपनी को कोई ऐसा चाहिए था जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभाल सके। उन्हें किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जो भरोसेमंद भी हो और कंपनी की कॉस्ट भी बचाई जा सके। इसीलिए अश्नीर ने अपनी वाइफ माधुरी को हायर किया। वो एक एंटरप्रेन्योर थी और उनके पास एडमिन टास्क और लोगों को मैनेज करने का अच्छा एक्सपीरियंस था। भाविक और शाश्वत को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। माधुरी डायरेक्टर बन गई थी और HR हेड भी। अब जब उनकी वाइफ इंटरनल सिस्टम हैंडल कर रही थी तो अश्नीर ने ग्रोथ पर फोकस करना शुरू किया और साथ ही वो एडिशनल फंड रेजिंग पर भी ध्यान दे रहे थे। वो अपनी तरफ से जितने वेंचर कैपिटलिस्ट से हो सके मिले। अश्नीर सिकोया के मोहित भटनागर से मिले, उन्हें डेमो करके दिखाया कि UPI कैसे काम करता है। हालांकि सिकोया ऑलरेडी सिट्रस पे और पाइन लैब में इन्वेस्ट कर चुकी थी। मीटिंग अच्छी गई लेकिन 3 महीने बीत गए थे पर सिकोया ने अभी तक भारत पे में इन्वेस्ट नहीं किया था। इसके पीछे मेन कारण था कि सिकोया के पाइन लैब में 70% स्टेक थे। उन्हें समझ में आ गया था कि भारत पे एक स्ट्रांग कॉम्पिटिटर बन सकता है।
जिसके चलते पाइन लैब के मार्केट शेयर्स घट सकते हैं। असल में सिकोया पाइन लैब को थोड़ा और समय देना चाहती थी कि वो अपना ऐप डेवलप कर सके, लेकिन पाइन लैब के फाउंडर्स कंपनी छोड़कर जा चुके थे और पाइन लैब टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाई, और तब जाकर सिकोया ने भारत पे में इन्वेस्ट करने का फैसला किया। अश्नीर ने एक और वेंचर कैपिटलिस्ट बी नेक्स्ट के साथ डील फिक्स कर ली, जिसके ओनर थे जापानीज एंटरप्रेन्योर तेरु सेन। उन्होंने $1 मिलियन इन्वेस्ट करने का वादा किया और मंथ एंड तक भारत पे के अकाउंट में पैसा जमा कर दिया। तेरु सेन सिकोया की तरह नहीं थे, बल्कि डिसीजन लेने में बेहद तेज थे। सिकोया के हर्षजीत सेठी ने अश्नीर को कॉल करके बताया कि वो लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, और ये डिसीजन उन लोगों ने तब लिया जब सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स पर काम पूरा किया जा चुका था। सिकोया को भाविक के यूएस वाले क्रेडिट कार्ड फ्रॉड की खबर लग चुकी थी, और वो अश्नीर से नाराज थे कि उन्होंने इस बारे में उन्हें क्यों नहीं बताया। लेकिन अश्नीर कहते हैं कि यह मामला उनसे जुड़ा हुआ नहीं था कि वो कुछ बताते। उन्होंने भाविक से कहा कि वो बंगलौर जाकर सिकोया के CFO और जनरल काउंसिल से मिलकर सारा मामला क्लियर करें, लेकिन अंत में सिकोया ने डिमांड रखी कि पहले भाविक को कैप टेबल यानी कि इक्विटी लिस्ट से हटाया जाए, तब जाकर वो लोग $1 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे। बी नेक्स्ट के तेरु सेन और एंजल इन्वेस्टर्स वालों को भाविक के अतीत से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अश्नीर ने सोच लिया था कि अगर भाविक ने ऐसा करने से मना कर दिया तो वो उन्हें सपोर्ट करेंगे, लेकिन भाविक ने सिकोया की शर्त मान ली। उन्होंने बोर्ड से रिजाइन कर दिया और अपने शेयर्स छोड़ दिए। अब ये शेयर्स बी नेक्स्ट, सिकोया, शाश्वत, शाश्वत के पिता और अश्नीर में डिवाइड कर दिए गए। शेयर होल्डर्स के एग्रीमेंट और लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज से भाविक का नाम हटा दिया गया था। इसके बजाय अब वो भारत पे में एक बाहरी कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे। ये नवंबर 2018 की बात थी। सिकोया का मामला सुलझ चुका था। अश्नीर फंड्स के लिए सिकोया का इंतजार कर रहे थे, साथ ही उन्हें तेरु सेन के फॉर्मल अप्रूवल का भी इंतजार था ताकि उनके पैसे यूज कर सकें। एंजल इन्वेस्टर्स के दिए 1.92 करोड़ खत्म होने की कगार पर थे। कुल मिलाकर बात यह थी कि भारत पे के अकाउंट में अब एक भी पैसा नहीं बचा था, और ना ही उनके पास एम्प्लॉयज को सैलरी देने के पैसे थे। अश्नीर ने माधुरी से कहा कि वो अपने पर्सनल अकाउंट से कंपनी के अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर दे। उन्होंने अपने पैसों से एम्प्लॉयज की सैलरी दी और उन्हें उम्मीद थी कि अगले महीने तक उनके पास फंड्स आ जाएंगे। गनीमत रही कि सिकोया की तरफ से पैसे आ गए। अब उनके पास $2 मिलियन तक इन्वेस्ट हो चुके थे। फंड मिलने के बाद माधुरी ने डायरेक्टर की पोस्ट से रिजाइन कर दिया, पर वो अभी भी मेन एम्प्लॉय थी। इस बीच अश्नीर बोर्ड मेंबर बन गए। भाविक के जाने के बाद अश्नीर माधुरी को co-founder बना सकते थे, लेकिन वो शाश्वत को ये फील नहीं करवाना चाहते थे कि बोर्ड को कंट्रोल करने की वो कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए सिकोया को बोर्ड में एक सीट मिली। इन सारी बातों से अश्नीर ने एक इंपॉर्टेंट लेसन सीखा कि अगर आप सही समय पर सही इंसान को पोजीशन नहीं दोगे तो आगे चलकर यह बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। भारत पे लगातार ग्रो कर रहा था। दिसंबर 2018 में अश्नीर ने सिकोया और बी नेक्स्ट को इन्फॉर्म किया कि उन्हें और $10 मिलियन की जरूरत है, तो दोनों कंपनियों ने अश्नीर से कहा कि वो नए इन्वेस्टर्स न ढूंढें। नेक्स्ट राउंड के लिए सिकोया ने $8 मिलियन इन्वेस्ट किए और बी नेक्स्ट ने $2 मिलियन। मुझे लगता है तुम तो गए, ये वो शब्द थे जो रिबिट कैपिटल के मिकी मलका ने अश्नीर को कहे थे। मिकी फिनटेक इंडस्ट्री के बिग फिश माने जाते थे। जब वो किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं तो बाकी वेंचर कैपिटलिस्ट भी इस पर गौर करते हैं, लेकिन मिकी ने जब कहा कि भारत पे फेल हो जाएगा तो अश्नीर ने उनसे पूछा, अगर आपको पता है कि कंपनी डूब जाएगी तो यह भी बता दो कि कब डूबेगी। मिकी ने बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब दिया कि 2 महीने के अंदर अंदर। और अगर नहीं डूबी तो? अश्नीर ने चैलेंज देते हुए पूछा। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारी कंपनी में फिर इन्वेस्ट करूंगा। अश्नीर तसल्ली करना चाहते थे कि मिकी अपना वादा निभाए। नेक्स्ट चैप्टर है द स्टेयरवेज टू सक्सेस। भारत पे का ऑफिस मालवीय नगर में था, जहां कंपनी 2019 की शुरुआत में ही शिफ्ट हो गई थी। कंपनी ने एक बिल्डिंग का पूरा सेकंड फ्लोर ले रखा था। अश्नीर काफी करीब से टीम साइज पर नजर रखे हुए थे। उनके हिसाब से ज्यादा एम्प्लॉयज वाली एक टेक कंपनी इनएफिशिएंट है। आधे फ्लोर पर पहले उनके 60 एम्प्लॉयज हुआ करते थे, और जब उन्होंने पूरा फ्लोर लिया तो उनके पास 125 के करीब एम्प्लॉयज हो गए थे। यहां तक कि उन्हें अपने 60 और इंजीनियर्स के लिए बगल वाली बिल्डिंग में एक और ऑफिस रेंट पर लेना पड़ा।
इसके बाद अश्नीर अपने कुछ गेम चेंजिंग प्रोडक्ट्स में बिजी हो गए, जिनमें से एक था मर्चेंट्स के लिए लोन का इंतजाम करना। जहां बाकी बिजनेस कस्टमर्स को लुभाने की कोशिश में लगे रहते हैं, वहीं बैंक्स को लगता है कि लोगों को डराए बिना उनका काम नहीं चलने वाला। जैसे अगर आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे पहले बैंकर आपको सिर से लेकर पैर तक घूरता है। वो आपकी ड्रेसिंग स्टाइल और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल से आपको जज करता है। बैंकर आपको डायरेक्टली तो ना नहीं कहता, बल्कि अपनी फैंसी इंग्लिश में आपको कई कारण देता है, जैसे कि इंटरनल रिस्क डिपार्टमेंट ने आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया, या RBI को दोष देना वगैरह वगैरह। यानी कुल मिलाकर अगर किसी दिन आपका सामना सांप या बैंकर से हो जाए तो पहले बैंकर को मारना, क्योंकि वो सांप से ज्यादा खतरनाक होते हैं। अश्नीर अपने हर कस्टमर को बिना किसी भेदभाव के ट्रीट करना चाहते थे। उन्हें लगता था कि फिनटेक बैंक से ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये एक एल्गोरिदम पर काम करता है। फिनटेक ज्यादा कन्वीनियंट और स्केलेबल है, ये बैंक की तरह बहुत जल्द ही फाइनेंस और बिजनेस सीख सकता है। लेकिन बैंक्स फिनटेक की तरह फास्ट टेक्नोलॉजी नहीं सीख सकते। अप्रैल 2019 में भारत पे ने मर्चेंट्स के लिए लेंडिंग यानी कि लोन देने का प्रोडक्ट लॉन्च किया। यहां हम एक फैक्ट का खुलासा करना चाहते हैं। बैंकर्स शॉपकीपर्स को कैपिटल नहीं देना चाहते, तो इन छोटे बिजनेसमैन के पास और कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके कि बड़े लोन शार्क से पैसा उधार लें, जो कि मंथली 4% इंटरेस्ट वसूल करते हैं। अब क्योंकि भारत पे का काम ही है कस्टमर्स की पेमेंट्स को हैंडल करना, तो कंपनी जानती है कि कौन सा बिजनेस कितनी कमाई कर रहा है। उन्होंने शुरुआत के लिए मंथली 2% इंटरेस्ट पर दो मर्चेंट्स को लोन ऑफर किया। लो इंटरेस्ट के अलावा भारत पे ने लोन लेना बड़ा सुविधाजनक भी बना दिया था। मंथली कलेक्ट करने के बजाय पैसा ऑटोमेटिकली डेली मर्चेंट के अकाउंट से कट जाता था। इस प्रोसेस में न तो कोई झंझट था और ये बोझ को भी कम कर देता है। अगर कोई मर्चेंट भारत पे के QR कोड से डेली 1000 कमाता है तो उसे 1,00,000 तक का लोन मिल सकता है, जो एक साल में चुकाया जा सकता था, और उसके अकाउंट से संडे छोड़कर बाकी हर दिन ₹400 ऑटोमेटिकली काट लिए जाते हैं। प्रोडक्ट लॉन्च के एक साल बाद भारत पे को पूरे इंडिया से लाखों की तादाद में कस्टमर्स मिले। कंपनी ने लगभग $1 बिलियन का लोन दिया था और बदले में 48% इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि IRR की कमाई की थी। मई 2019 में मिकी मलका ने अश्नीर को कॉल करके कहा कि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वो देख चुके थे कि भारत पे 2 महीने में बंद नहीं हुआ, बल्कि लगातार ग्रो करता जा रहा है। अश्नीर मिकी और कुछ दूसरे इन्वेस्टर से मिलने US चले गए। फंड रेजिंग के मामले में उन्होंने अपनी खासी रेपुटेशन बना ली थी कि वो एक बहुत अच्छे फंड रेजर हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को उसके पीछे की मेहनत नहीं दिखती थी। अश्नीर मानते थे कि फाउंडर को लोगों के सामने आने और अपनी स्टोरी शेयर करने में घबराना नहीं चाहिए। इन्वेस्टर ढूंढना मुश्किल तो है, पर आपको कोशिश करते रहना चाहिए। अगर आपने 3 बार में 100 इन्वेस्टर्स को अप्रोच किया है तो ये मानकर चलिए कि उनमें से सिर्फ 10 लोग ही वाकई में इन्वेस्ट करेंगे। अश्नीर के पास कोई चॉइस नहीं थी सिवाय इसके कि जिन कपड़ों में वो सोए थे उन्हीं कपड़ों में उन्हें मिकी से मिलना पड़ा। लेकिन क्या फर्क पड़ता था, क्योंकि उन्होंने मिकी के रिबिट कैपिटल से और एक और वेंचर से जिसका नाम स्ट्रीट व्यू था $50 मिलियन रेस कर लिए थे। कंपनी की ग्रोथ जारी रही। अश्नीर के पास काफी काम था। अब उन्हें लग रहा था कि कंपनी के डेली ऑपरेशंस के लिए उन्हें एक चीफ बिजनेस ऑफिसर की जरूरत है। एक हेड हंटर ने उन्हें RP संजीव गोयनका ग्रुप के सुहेल समीर का CV दिया। सुहेल दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज और IIM लखनऊ से पढ़े थे। उसके बाद वो मैकिन्सी के यंगेस्ट एसोसिएट पार्टनर बने। सुहेल संजीव गोयनका से मिले और ज्यादा बड़ी रैंक पर उनकी कंपनी ज्वाइन कर ली। उनका दावा था कि उन्होंने ही कंपनी का स्नैक ब्रांड 2M लॉन्च किया और उसे 500 करोड़ का बिजनेस बना दिया। अश्नीर ने सुहेल को अपने घर डिनर पर इनवाइट किया। वो जानते थे कि सुहेल क्यों दूसरी कंपनी ढूंढ रहे हैं। पता चला कि संजीव गोयनका का बेटा कंपनी ज्वाइन कर रहा है। सुहेल कंपनी को बिल्ड और ग्रो इसलिए नहीं कर रहे थे कि कल को गोयनका का बेटा बिजनेस टेक ओवर कर ले। अभी तक तो डिस्कशन सही जा रही थी कि अचानक सैलरी एक्सपेक्टेशन का टॉपिक छिड़ गया। सुहेल ने बताया कि गोयनका में उनकी एनुअल सैलरी 6 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा वो कंपनी से 15 करोड़ का पे आउट, जो अभी कंफर्म नहीं है, वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सुहेल चाहते थे कि अश्नीर उन्हें इस बात के लिए गारंटी दे कि भारत पे में जाने पर उन्हें 15 करोड़ मिले, लेकिन अश्नीर इतना बड़ा अमाउंट पे करने को तैयार नहीं थे।
तो बात यहीं पर खत्म हो गई। 2019 खत्म होते होते अश्नीर का यूएस में एक और फंड रेजिंग ट्रिप लग गया। उनके साथ उनका एक जूनियर एम्प्लॉय भी गया था जो हमेशा सोता रहता था, जबकि अश्नीर मीटिंग पर मीटिंग अटेंड कर रहे थे। अश्नीर ड्राइव करते वक्त ही सारी तैयारी कर लेते थे कि उन्हें मीटिंग में क्या बोलना है, कैसे बोलना है वगैरह। फंड रेजिंग के लिए उनका इरादा इतना पक्का था कि उनका एनर्जी लेवल किसी यंग एम्प्लॉय से कहीं ज्यादा बढ़कर था, और उनकी मेहनत बेकार नहीं गई क्योंकि उन्होंने कोटियो मैनेजमेंट और बाकी कुछ इन्वेस्टर से $75 मिलियन रेस कर लिए थे। भारत पे इंडिया का इकलौता ऐसा स्टार्टअप बना जो सिर्फ 15 महीनों में $0 से शुरुआत करके $425 मिलियन की वैल्यू तक पहुंच गया था। नेक्स्ट चैप्टर है सोरिंग रिलेशनशिप्स। अश्नीर हमेशा अपनी कंपनी की कॉस्ट मॉनिटर करते रहते थे और हर चीज को लो बजट में रखते थे, जिसमें उनकी खुद की सैलरी भी शामिल थी। कई महीनों की कड़ी मेहनत और ग्रोथ के लिए लगातार पुश करने के बावजूद अश्नीर ने सिकोया के हर्षजीत सिंह को मेल लिखा और उनकी एनुअल सैलरी को बढ़ाकर 60 लाख करने के लिए कहा, लेकिन उधर से जवाब आया कि अभी अपनी सैलरी 36 लाख ही रखो। वीसी को $1 मिलियन की सैलरी मिलती है, लेकिन वो फाउंडर्स को उतना पैसा नहीं देना चाहते जितना वो डिजर्व करते हैं। वीसी को लगता है कि उन्होंने पैसा लगाया है इसीलिए कंपनी सक्सेसफुल है, और फाउंडर्स को तो वो लोग अपना नौकर समझते हैं। तो अश्नीर की बात मानने के बजाय सिकोया ने फाउंडर और ESOP शेयर्स को $3 मिलियन में खरीदने का ऑफर दे डाला। हर्षजीत ने कहा कि वो कुछ दिनों में इन्वेस्टमेंट कमेटी की मीटिंग अटेंड करेंगे और वो इन्वेस्टमेंट को अप्रूव करवा लेंगे, जो कि सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए होगी। मीटिंग मंडे को होनी थी, लेकिन वेडनेसडे भी चला गया और अश्नीर को हर्षजीत की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। जब उन्होंने कॉल किया तो हर्षजीत ने उनसे फॉर्मल इंग्लिश में बात की। उन्होंने कहा कि सिकोया और ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि उनके इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। अश्नीर तुरंत समझ गए कि हर्षजीत साफ झूठ बोल रहे हैं। घिसापिटा बहाना बनाने के बजाय हर्षजीत ये बोल सकते थे कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की पर उनके सीनियर्स ने अप्रूव नहीं किया, या फिर इतना बड़ा अमाउंट उनकी कंपनी को रिस्की लग रहा है। लेकिन अश्नीर को ज्यादा बुरा ये लगा कि हर्षजीत ऐसे बहाने बनाकर उनकी इंसल्ट कर रहे हैं और एक टिपिकल बैंकर की तरह बात कर रहे हैं। उस दिन के बाद से अश्नीर का हर्षजीत और सिकोया दोनों से भरोसा उठ गया। इस बीच अश्नीर ने सुहेल समीर को दोबारा कॉन्टेक्ट किया क्योंकि भारत पे को एक चीफ बिजनेस ऑफिसर की सख्त जरूरत थी, लेकिन वो उस वक्त बड़े हैरान हुए जब उन्हें दुबले पतले सुहेल लंबी दाढ़ी के साथ नजर आए। सुहेल ने बताया कि 15 करोड़ मिलने की उम्मीद के बाद से ही उन्होंने RP संजीव गोयनका ग्रुप से रिजाइन कर दिया था और अभी फिलहाल वो खाली बैठे हैं और नई जॉब की तलाश में हैं। अश्नीर ने सुहेल को 1.75 करोड़ एनुअल सैलरी दी और ESOP यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान में काफी बड़े शेयर का ऑफर दिया, और साथ ही ये भी कहा कि सारे CXO अपने एग्जीक्यूशन और बड़े स्ट्रेटेजिक मामलों के लिए सुहेल और उन्हें रिपोर्ट करेंगे। अश्नीर बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जबकि सुहेल उन्हें एफिशिएंट तरीके से एग्जीक्यूट करने का काम करेंगे। शुरुआत में सुहेल अपने वर्क एथिक्स पर खरे उतरे। वो सुबह जल्दी ऑफिस पहुंचते और देर शाम तक ओवरटाइम भी करते। इतना ही नहीं, उन्होंने ऑफिस में सबके साथ फ्रेंडशिप करने की भी पूरी कोशिश की। अश्नीर ऑब्जर्व कर रहे थे कि सुहेल एग्जीक्यूशन में तो एक्सपर्ट हैं, लेकिन उनके अंदर ओरिजिनल आइडियाज और बड़ा पिक्चर देखने की कैपेबिलिटी नहीं थी। फिर एक दिन अश्नीर को एक बेनाम ईमेल आया जिसमें लिखा था कि सुहेल का आरपी संजीव गोयनका ग्रुप में किसी शादीशुदा लड़की के साथ अफेयर चल रहा था, जिसके चलते उन्हें कंपनी छोड़ने को कहा गया। यहां तक कि उस लड़की ने भारत पे में सुहेल के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जॉब के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। असल में सुहेल ने खुद रिजाइन नहीं किया था, उन्हें निकाला गया था। यह जानकर अश्नीर हक्के बक्के रह गए, पर वो सुहेल को एक चांस देना चाहते थे। उन्होंने सुहेल से कहा कि उन्हें सारे मामले की खबर है और वो उस लड़की को हायर नहीं करने वाले हैं। सुहेल ये सुनकर हंस पड़े और ऐसे बिहेव किया जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट चैप्टर है मार्टर टू वंस ओन कॉज। साल 2020 के अंत में अश्नीर को सेंट्रम ग्रुप के चेयरमैन जसपाल बिंद्रा की तरफ से एक ऑफर मिला। जसपाल जानना चाहते थे कि क्या अश्नीर बैंक के लिए बिड करना चाहेंगे। सेंट्रम शुरुआत से ही भारत पे के लिए ट्रेजरी हैंडल कर रहा था। अश्नीर सेंट्रम पर भरोसा करते थे क्योंकि वो तब से उनके साथ काम कर रहे थे जब कंपनी की कोई वैल्यू कोई पहचान नहीं थी। जिस बैंक की बात जसपाल कर रहे थे ये PMC बैंक था,
आरबीआई ने सेंट्रम ग्रुप को अप्रोच किया था कि वो इसे टेक ओवर कर सकते हैं या नहीं। पीएमसी बैंक के घोटाले का खुलासा सितंबर 2019 में हुआ था। बैंक ने बैड लोन्स छुपाने के लिए फेक अकाउंट्स बनाए थे जिनकी कुल कीमत थी 7,000 करोड़। बैंक में पब्लिक का 10,000 करोड़ रुपए का डिपॉजिट खतरे में था। यही कारण था कि आरबीआई ने पीएमसी बैंक को सस्पेंड कर दिया था। साफ जाहिर था कि बैंक को इस बुरी हालत से बचाने के लिए किसी विजनरी की जरूरत थी। जसपाल स्टैंडर्ड चार्टर्ड की तरफ से एक बैंकर थे। रिटायरमेंट के बाद उन्हें सेंट्रम में एक स्टेक मिल गया था। उन्हें पता था कि सेंट्रम की तरफ से कोई भी पीएमसी डील को फंड नहीं करने वाला, इसलिए उन्हें एक पार्टनर की जरूरत थी। अश्नीर के लिए ये गोल्डन जोड़ी थी। आरबीआई सेंट्रम को बैंकिंग लाइसेंस देने को तैयार हो सकती थी क्योंकि यह 30 सालों से एक भरोसेमंद कंपनी रही थी। भारत पे पीएमसी को टेक ओवर करने के लिए फंड प्रोवाइड कर सकता था। ये काफी अच्छी डील साबित हो सकती थी क्योंकि भारत पे आसानी से पीएमसी को एक डिजिटल बैंक में बदल सकता था। अश्नीर तुरंत 50-50 की पार्टनरशिप के लिए राजी हो गए। जनवरी 2021 में अश्नीर और जसपाल ने ऑफिशियली पीएमसी की बिड ज्वाइन की। बाकी बिडर्स में थे लिबर्टी ग्रुप के संजीव गुप्ता और हैदराबाद और मुंबई की दो और बिजनेस फैमिलीज। बिडिंग प्रोसेस जून 2021 तक यानी कि 2021 तक चलता रहा। भारत पे के अंदर इंडिया की पहली फिनटेक बनने की पोटेंशियल थी जो बैंकिंग लाइसेंस ले सकती थी। इसी बीच अश्नीर उस साल की फंड रेजिंग ट्रिप के लिए यूएस चले गए। मार्च से अप्रैल 2021 के बीच इंडिया में बेहद खतरनाक कोविड वेव फैली थी। अश्नीर का प्लान मई में यूएस जाने का था। वो इस पूरे पैंडेमिक के दौरान काम करते रहे। अपने काम को लेकर उनके अंदर जुनून था। उन्होंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, यहां तक कि फर्स्ट वेव के टाइम पर भी नहीं। कुछ एम्प्लॉय शिकायत करते रहे, लेकिन जो प्रोडक्ट वो डेवलप कर रहे थे वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाता अगर उन्होंने कोविड के दौरान मेहनत नहीं की होती। अश्नीर के लिए फंड रेजिंग ट्रिप छोड़ना बड़ी आसान सी बात थी क्योंकि उनके पास इस काम के लिए काफी लोग थे। 2021 में अश्नीर ने सुमित सिंह को जनरल काउंसिल की पोस्ट के लिए हायर कर लिया। सुमित शार्दुल अमरचंद मंगलदास में पार्टनर है। अश्नीर जब ग्रोफर्स में थे तब उनके साथ काम कर चुके थे। सुमित का पहला फॉरेन ट्रिप तब हुआ था जब अश्नीर उन्हें सिंगापुर लेकर गए थे। अश्नीर सुमित की शादी अटेंड करने जयपुर भी गए थे। वो जानते थे कि भारत पे को बैंकिंग लाइसेंस लेते वक्त सुमित उन्हें कानूनी मामलों में मदद कर सकते हैं। अश्नीर ने सुमित को 80 लाख का ज्वाइनिंग बोनस दिया। इसके अलावा सुमित को एनुअल सैलरी और बेनिफिट्स अमाउंट के तौर पर 1 करोड़ रुपए और ESOP वेस्टिंग भी ऑफर की गई थी। लेकिन सुमित सिंह अश्नीर की तीसरी हायरिंग मिस्टेक साबित हुए। पहले और दूसरे में सुहेल समीर और CHRO जसनीत कौर शामिल थे। चौथे हायरिंग मिस्टेक थे रजनीश कुमार, प्रोफेशनल डायरेक्टर जिनसे अश्नीर बाद में मिले थे। सुहेल CEO डेजिग्नेट यानी वो इंसान जो करंट CEO को रिप्लेस करता है वो बन गए। अश्नीर को प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि वो अक्सर एक छोटे ग्रुप के साथ हैंगआउट करते रहे थे। सुहेल जसनीत और सेल्स के साहिल चावला के ज्यादा करीब थे जो एक चुगली करने और लोगों की पर्सनल बात यहां से वहां करने के तौर पर बदनाम थे। इसी दौरान भाविक को लग रहा था कि जसनीत और सुहेल की क्लोज फ्रेंडशिप कहीं प्रोफेशनल रिलेशनशिप पर भारी न पड़ जाए, ऐसा ना हो कि एम्प्लॉयज को जसनीत पर भरोसा करने में प्रॉब्लम आए। अश्नीर को उम्मीद थी कि सुहेल और जसनीत मैच्योर प्रोफेशनल्स की तरह इस मुद्दे को खुद ही हल कर लेंगे। अश्नीर ने जाने से पहले सबको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे। उन्होंने जसनीत को एक बड़ी टेक टीम बनाने का काम सौंपा क्योंकि जब से स्टार्टअप्स के बीच बेस्ट टैलेंट हायर करने का कंपटीशन चल पड़ा था, अच्छे इंजीनियर्स का मिलना मुश्किल हो गया था। अश्नीर ने भारत पे के दो नए प्रोडक्ट पोस्ट पे और 12% क्लब को पूरा करने का काम भी सुहेल और भाविक को सौंप दिया था। उसके बाद वो 1 मई को माधुरी और अपने बच्चों के साथ US के लिए रवाना हो गए। उन लोगों ने क्वारंटाइन पीरियड कंप्लीट किया और जल्द से जल्द वैक्सीन भी लगवा लिया। कई मीटिंग्स के बाद अश्नीर टाइगर ग्लोबल के साथ डील फिक्स करने में कामयाब रहे। टाइगर ग्लोबल ने $100 मिलियन इन्वेस्ट किया था। वो एक हफ्ते के लिए सैन फ्रांसिस्को भी गए और वहां कम से कम 10 इन्वेस्टर्स से मीटिंग की। हालांकि अश्नीर $250 मिलियन का टारगेट लेकर चल रहे थे, पर अंत में वो टोटल $625 मिलियन का फंड जुटाने में कामयाब रहे। दिसंबर 2020 से ही अश्नीर ICC वर्ल्ड कप में स्पॉन्सर करना चाहते थे। उन्हें ICC IPL से बेटर लगी क्योंकि उन्हें IPL कुछ ज्यादा ही डिसऑर्गेनाइज लगता था। प्लेयर्स की जर्सी पर जहां तहां लोगों ही लोगों नजर आते थे। हालांकि कई मीडिया एजेंट्स ने उन्हें IPL के लिए अप्रोच किया था,
पर अश्नीर को टीम जर्सी पर इतने सारे लोगों का आइडिया पसंद नहीं आया। इतने लोगों के बीच भारत पे का लोगो अगर पब्लिक को दिखता ही नहीं तो आईपीएल को पैसे देने का फायदा ही क्या था। बस एक ही जगह बची थी जो कि आईपीएल फ्रेंचाइज ने अभी तक नहीं बेची थी और वो थी प्लेयर्स के बम। इस तरह अश्नीर ने आईसीसी के साथ $27 मिलियन में डील क्लोज की। भारत पे अब T20 और दुबई में होने वाले ODI वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप का ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गया था। अश्नीर और उनकी फैमिली ने US से लौटते वक्त इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का गेम देखा। मैच देखने जाने से पहले अश्नीर को जसपाल बिंद्रा का कॉल आया ये बताने के लिए कि वो PMC बैंक की बिड जीत गए हैं। यानी भारत पे अब ऑफिशियली इंडिया का इकलौता बैंकिंग लाइसेंस हासिल करने वाला फिनटेक बन गया था। उस दिन बेशक न्यूजीलैंड ने इंडिया को हरा दिया था पर अश्नीर बेहद खुश थे क्योंकि ये उनकी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। वो जब ऑफिस वापस लौटे तो कंपनी के अपडेट सुनकर काफी निराश हुए। वो US इन्वेस्टर्स को अपने नए प्रोडक्ट के लिए पिच करने की कोशिश कर रहे थे जबकि पोस्ट पे और 12% क्लब ने अब तक कोई खास प्रोग्रेस नहीं की थी। ऊपर से भाविक ने उन्हें खबर दी कि टेक टीम के 60 में से 20 लोग रिजाइन करके चले गए हैं। भाविक ने यह भी बताया कि जसनीत जो CHRO थी सुहेल के साथ उनका अफेयर चल रहा था। इनफैक्ट सुहेल उसके अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया था। अश्नीर ने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि जसनीत को कंपनी छोड़कर जाना होगा। COO ने उन्हें बताया कि अगर वो लोग जसनीत को फौरन निकालते हैं तो कंपनी के पूरे 1 करोड़ रुपए बचेंगे क्योंकि जल्द ही उसके ESOP वेस्ट स्टार्ट होने वाले थे। लेकिन अश्नीर कोई ड्रामा नहीं चाहते थे, खासकर तब जब कंपनी जल्द ही एक बैंक को टेक ओवर करने और ई फंडिंग सीरीज शुरू करने जा रही थी। जसनीत को जैसे ही अपने ESOP के पैसे मिले उसने तुरंत अपना रेजिग्नेशन फाइल कर दिया और सुहेल ने बड़े कैजुअल तरीके में अश्नीर को बोला कि उन्हें पता ही नहीं है कि जसनीत ने रिजाइन कर दिया है। उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता हो, पर अश्नीर जानते थे कि अब वो कभी सुहेल पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। इसी दौरान उनका सारा फोकस टेक टीम की प्रॉब्लम सॉल्व करने पर लगा रहा। अश्नीर ने इस बात का ख्याल रखा कि कंपनी को बचे हुए इंजीनियर्स को एडिशनल ESOP मिले और जहां तक नए इंजीनियर्स का सवाल था अश्नीर को पता लगा कि उनमें से सिर्फ कुछ ही एप्लीकेंट्स भारत पे के साथ अभी तक जुड़े हुए हैं। उन्हें यह भी पता चला कि एक और कंपनी CREDइंजीनियर्स को हायर करने में सक्सेसफुल रही है क्योंकि वो उन्हें जॉब ऑफर करने के साथ साथ ब्रांड न्यू लैपटॉप भी दे रही थी। भारत पे में इंजीनियर्स को 20 लाख एनुअल सैलरी मिल रही थी। कंपनी हेड हंटर्स को 3 लाख का कमीशन भी दे रही थी। तो अश्नीर ने क्या किया कि उन्होंने टेक टीम को मजबूत बनाने और भारत पे की रेपुटेशन बढ़ाने के लिए इंजीनियर्स को 3 लाख देने के बजाय ब्रांड न्यू सुपर बाइक देने का आइडिया निकाला। बहुत जल्दी सुपर बाइक वाली न्यूज टेक इंडस्ट्री में फैल गई। इस फैसले से एक एम्प्लॉयर के तौर पर भारत पे की रेपुटेशन में काफी इजाफा हुआ और टेक टीम को मजबूती भी मिली। इसके बाद अश्नीर पोस्ट पे और 12% क्लब की लॉन्च में बिजी हो गए। पोस्ट पे एक बाय नाउ पे लेटर सर्विस थी। इसे उन्होंने ICC T20 वर्ल्ड कप के दौरान दुबई में लॉन्च किया था। अश्नीर ने यह प्रोजेक्ट सुहेल से वापस ले लिया क्योंकि जब अश्नीर US में फंड रेजिंग के लिए गए हुए थे तो इन 2 महीनों में सुहेल की तरफ से कोई प्रोग्रेस नहीं की गई थी। पोस्ट पे के जरिए यूजर्स 10 लाख तक का अमाउंट लोन ले सकते थे। लोग कहीं से भी QR कोड, कार्ड या अपने बैंक अकाउंट के पैसे पे कर सकते थे। पोस्ट पे काफी यूनिक प्रोडक्ट था क्योंकि इससे यूजर्स बड़े बड़े डेली परचेज जैसे ग्रोसरी शॉपिंग वगैरह कर सकते थे, जबकि 12% क्लब एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसके जरिए लोग फिक्स्ड 12% इंटरेस्ट पर पैसे उधार ले सकते थे और दे भी सकते थे। 12% क्लब से कमाया हुआ पैसा मर्चेंट लोन में यूज किया गया। हालांकि 12% क्लब में लगाए कैपिटल की कॉस्ट 12% थी लेकिन मर्चेंट लोन का इंटरनल रिस्क 48% था। पोस्ट पे और 12% क्लब फिनटेक इंडस्ट्री के कमाल के इनोवेशंस थे जो फौरन हिट हो गए। इस पॉइंट पर आकर अश्नीर से एक भारी गलती हुई जो उनकी कंपनी से जाने की बड़ी वजह बनी। PMC बैंक बिड जीतने के बाद भाविक, सुहेल, सुमित और अश्नीर जसपाल बिंद्रा से मिलने मुंबई पहुंचे। शाम के वक्त अश्नीर अपने रूम में आराम कर रहे थे जबकि बाकी के लोग भाविक के रूम में बैठकर ड्रिंक करने लगे। यहां हम आपको एक बात और खास तौर से बता देना चाहते हैं कि अश्नीर महंगी लग्जरी गाड़ियों का शौक तो रखते हैं पर ना तो वो स्मोक करते हैं और ना ही ड्रिंक करते हैं। अगली सुबह भाविक ने अश्नीर को बताया कि कंपनी में कुछ लोगों को बजट के मामलों में माधुरी को रिपोर्ट करना पसंद नहीं था क्योंकि वो CXO नहीं थी
जिस वक्त ये लोग ड्रिंक कर रहे थे, सुहेल ने यह कहा कि अगर माधुरी बोर्ड मेंबर बनी तो वो उसी वक्त कंपनी छोड़ देंगे। अश्नीर और शाश्वत के पास फाउंडर्स होने के नाते 4 बोर्ड सीट थी। वो लोग एक बोर्ड सीट माधुरी को देने की सोच रहे थे और दूसरी सुहेल को। सुहेल ने जो कहा था उसे सुनकर अश्नीर दंग रह गए, लेकिन वो कंपनी के लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहते थे, इसलिए चुप रह गए। उन्हें अपने भले से ज्यादा भारत पे के ग्रोथ और रिजल्ट की ज्यादा चिंता थी। अश्नीर चाहते तो माधुरी को बोर्ड में अपॉइंट कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनकी सबसे बड़ी गलती थी सुहेल को CEO बनाना और बोर्ड में अपॉइंट करना। अश्नीर के एक दोस्त ने सही कहा था कि उन्होंने बिजनेस के लिए तो सही डिसीजन लिए, पर बिजनेस के लिए खुद को शहीद कर दिया। आइए बढ़ते हैं और एक इंटरेस्टिंग चैप्टर की ओर, विच इज शार्क टैंक। भारत पे के शुरुआती एंजल इन्वेस्टर्स में से एक वेंचर कैपिटलिस्ट ने अश्नीर को शार्क टैंक इंडिया के बारे में बताया। अश्नीर ने पहले कभी शार्क टैंक US का पूरा एपिसोड नहीं देखा था, लेकिन अश्नीर को पता था कि इसका फॉर्मेट कैसे काम करता है। जुलाई 2021 में उन्हें शार्क टैंक के रनर बिमल उन्नी कृष्णन की तरफ से कॉल आया। उसके बाद सोनी टेलीविजन की टीम ने कुछ मॉक पिचेस के लिए अश्नीर के घर पर एक रिकॉर्डिंग सेशन रखा। अश्नीर जानते थे कि अगर सोनी ने उन्हें चूज किया तो वो एक पब्लिक फिगर बन जाएंगे। वो ये नहीं चाहते थे कि इन्वेस्टर्स ये सोचें कि वो बिजनेस के अलावा दूसरी चीजों में बिजी रहते हैं। इसलिए अश्नीर ने रिबिट कैपिटल के मिकी और सिकोया के हर्षजीत से राय ली कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन दोनों को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दूसरे मॉक सेशन के दौरान उनकी मुलाकात एक और पोटेंशियल शार्क से हुई। ये थे अमन गुप्ता, बोट ब्रांड के को फाउंडर। दोबारा सेशन अश्नीर के घर पर रखा गया। अमन शार्क टैंक पैनल में आने के लिए नर्वस और एक्साइटेड दोनों थे। लंच करते वक्त अमन ने अश्नीर से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि ये लोग हमें सिलेक्ट करेंगे? अश्नीर ने जवाब दिया, क्या फर्क पड़ता है, करे ना करे। अमन ने बताया कि वो बचपन से ही US शार्क टैंक देखते रहे हैं और इस शो की वजह से ही वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इंस्पायर हुए थे। अगले कुछ दिनों में अश्नीर को पता चला कि बाकी के शार्क्स कौन कौन हैं। उन्हें इस बात की काफी खुशी थी कि वो इन सब ग्रेट फाउंडर्स के साथ काम कर रहे हैं। शार्क्स को एकदम सेलिब्रिटीज की तरह ट्रीट किया जाता था। उनकी अपनी वैनिटी वैन थी, उन्हें कॉस्ट्यूम डिजाइनर, मेकअप आर्टिस्ट, बाउंसर्स और असिस्टेंट मिले हुए थे, जो उनके बाहर निकलते ही उनके लिए छतरी पकड़कर खड़े हो जाते थे। अश्नीर को काफी पैम्पर्ड और इम्पोर्टेंट फील होता था। व्यूअर्स की तरफ से एक कॉमेंट ये आया कि शार्क्स शो में अपनी ड्रेस रिपीट करते हैं। लोग कहते थे कि अश्नीर और बाकी लोग इतने अमीर हैं तो बार बार कपड़े क्यों रिपीट करते हैं। लेकिन जब वो लोग शूटिंग करते थे तो प्रोडक्शन टीम को क्लियर नहीं होता था कि कौन सा एपिसोड फाइनल कट में जाएगा। एपिसोड को कट और एडिट करने के बाद ही एयर किया जाता था। यही वजह थी कि व्यूअर्स को शार्क्स हर हफ्ते सेम कपड़ों में नजर आते थे। शो का सेट काफी बड़ा था, जिसे बनाने में लगभग 4.5 करोड़ खर्च हुआ था। शार्क टैंक के सेट डिजाइनर वही थे जिन्होंने कॉफी विद करण का सेट बनाया था। व्यूअर्स को अक्सर लगता है कि सारे शोज स्क्रिप्टेड होते हैं, पर अश्नीर कहते हैं कि ऐसा नहीं है। शार्क्स ये नहीं जानते थे कि एक दिन में कितनी पिच होंगी या फिर कौन सी कंपनी पिच करेगी। अश्नीर हर शूटिंग में प्रेजेंट रहते थे, सिवाय उन दिनों के जब उन्हें ICC 20 वर्ल्ड कप फाइनल के लिए दुबई जाना था। हफ्ते में उनकी 3 दिन शूटिंग होती थी, फ्राइडे से संडे तक। अमन गुप्ता, पीयूष बंसल, माधुरी और अश्नीर हर हफ्ते दिल्ली से मुंबई स्टूडियो आते थे, इसलिए सबके बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। अमन अक्सर एयरपोर्ट पर अपना मास्क उतारकर चेक करते थे कि कोई उन्हें पहचानता है या नहीं। इस बात पर अश्नीर और बाकी उन्हें चढ़ाया करते थे कि कोई तुम्हें नहीं पहचानता। अब क्योंकि ये लोग सेट पर कई घंटों साथ में रहते थे तो शार्क्स के बीच अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी। कई बार तो उन्हें 12-12 घंटे सेट पर रहना पड़ता था। कुछ लोग कहते हैं कि अश्नीर शो में बहुत फ्रैंक या बेबाक होकर बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे वो रियल लाइफ में हैं, वैसे ही शार्क टैंक में भी बात करते हैं। बिमल, जो शो रनर हैं, उन्होंने अश्नीर को कहा कि लोग उन्हें पहले नापसंद करेंगे लेकिन बाद में पसंद करने लगेंगे। शार्क टैंक के रिलीज होने के बाद अश्नीर को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में बहुत हेट कॉमेंट्स आते थे। बाद में लोगों को समझ में आ गया था कि किसी कंटेस्टेंट के प्रोडक्ट की यूं ही तारीफ करके बाद में उसे फंड करने से मना करने का क्या तुक बनता है। अपनी ईमानदारी के अलावा लोगों को अश्नीर का हिंदी में बात करने का तरीका भी बेहद पसंद आया। उनके फॉलोअर्स में ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स और वर्किंग क्लास के नॉन इंग्लिश स्पीकिंग लोग शामिल हैं।
इंडिया में शार्क टैंक की पॉपुलैरिटी के चलते अश्नीर बहुत जल्द ही एक सेलिब्रिटी बन गए और इंस्टाग्राम में उनके 70,000 के करीब फॉलोअर्स हो चुके थे। लोग उन पर बने मीम्स भी खूब एंजॉय करते हैं। जब भी वो कहीं जाते हैं तो लोग उनके साथ सेल्फी लेने के लिए जमा हो जाते हैं। अब अश्नीर पब्लिक या कैमरे के सामने शाय फील नहीं करते और ना ही कॉन्शियस होते हैं। उन्हें तो अब और भी अच्छा लगता है जब लोग उनके पास आकर बोलते हैं कि शार्क टैंक ने उन्हें अपना बिजनेस स्टार्ट या एक्सपेंड करने के लिए इंस्पायर किया है। भाई ये बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, द नाइका आईपीओ एंड कोटेक सागा। अश्नीर की कोटेक में अपनी रिलेशंस मैनेजर के साथ 23 जुलाई 2021 को यानी कि 2021 को जो बातचीत हुई वो कुछ इस तरह थी। आरएम, सर जोमैटो के शेयर्स 116 रुपए पर पहुंच गए हैं। अश्नीर, ओके तो हम बेच सकते हैं। आरएम, ओके सर मैं आपको रिकॉर्ड पर रखूंगा। इसी बीच जोमैटो शेयर में लगातार उछाल आता गया। आरएम, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया सर, आपने 136 रुपए पर शेयर के हिसाब से बेचा है। जोमैटो आईपीओ की ओपनिंग के 8 मिनट बाद ही अश्नीर ने 2.25 करोड़ रुपए कमा लिए थे। अश्नीर ने वो पैसे इन्वेस्ट किए थे जो भारत पे के दूसरे स्टार्टअप्स में उन्होंने स्टॉक से कमाए थे। वो स्टॉक एक्सचेंज में मौजूदा बिजनेस के बजाय अर्ली स्टेज के फाउंडर्स पर इन्वेस्ट करना पसंद करते थे। हालांकि स्टार्टअप बिजनेस हाई रिस्क वाले होते हैं लेकिन इनमें रिटर्न भी अच्छा मिलता है। 2021 में कई प्राइवेट टेक कंपनियों को आईपीओ लिस्ट में जगह मिली थी। अश्नीर ऐसी ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वाली 4 आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते थे जिनमें थे जोमैटो, नायका, पॉलिसी बाजार और डिलीवरी। जो रिलेशन मैनेजर अश्नीर के आईपीओ इन्वेस्टमेंट को हैंडल करते थे वो वही थे जो भारत पे की वेल्थ का सेंट्रम ग्रुप में वेल्थ मैनेजमेंट देखते थे। ये रिलेशन मैनेजर थे जिन्हें अश्नीर सू एंड रो बुलाते थे। वो कोटक वेल्थ में जाने के बाद भी अश्नीर के साथ काम कर रहे थे। अश्नीर जोमैटो आईपीओ को लेकर कॉन्फिडेंट थे। वो दीपेंद्र गोयल को जानते थे और उनकी काबिलियत पर उन्हें पूरा भरोसा था। जोमैटो ने पैनडेमिक में काफी अच्छा बिजनेस किया क्योंकि कई लोग घर पर खाना ऑर्डर करते थे। लोग सुनकर हैरान रह गए जब सबको यह पता चला कि अश्नीर जोमैटो आईपीओ में 100 करोड़ का इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि इनमें से 5 करोड़ अश्नीर की जेब से लगे हैं और बाकी के 95 करोड़ उन्होंने कोटेक वेल्थ से 10% इंटरेस्ट पर लोन लिया था। जैसा कि हमने पहले बताया था, अश्नीर ने अपने आरएम को इन्वेस्ट किया था कि जब जोमैटो के शेयर प्राइस 116 हो जाए तो उसे बेच दें और उनके ऑर्डर पर जब शेयर बेचे गए तो प्राइस 136 रुपए हो चुका था, यानी अश्नीर को 2.25 करोड़ का फायदा हुआ था। 2 करोड़ 25 लाख। 3 महीनों बाद अब नायका आईपीओ की बारी आई। अश्नीर जानते थे कि नायका सुपर हिट साबित होगा। नायका की फाउंडर फाल्गुनी नैयर के साथ वो पहले काम कर चुके थे जब वो कोटक बैंक में थे। भारत पे और नायका के कॉमन इन्वेस्टर थे स्ट्रीट व्यू, जिन्हें नैयर पर काफी भरोसा था। अश्नीर के शार्क टैंक की शूटिंग के लिए मुंबई में जाने से पहले कोटक वेल्थ में उनके आरएम ने उन्हें आईपीओ फाइनेंसिंग के डॉक्यूमेंट्स भेज दिए जो 200 पेज का था। अश्नीर को उन सब पर साइन करना था, कुछ पेज पर तो कई जगहों पर साइन करना था। अश्नीर जब मुंबई पहुंचे तो उन्हें माधुरी का कॉल आया ये बताने के लिए कि आरएम उनके लिए और डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं। अश्नीर ने एक रेस्टोरेंट के बाहर जहां उनकी एक मीटिंग थी पेपर साइन किए। अगले दिन यानी कि 28 अक्टूबर 2021 को आईपीओ ओपन होने वाला था। लेकिन जैसे ही अश्नीर शार्क टैंक की शूटिंग के लिए तैयार होने जा रहे थे, माधुरी ने उन्हें कॉल करके ये इन्फॉर्म किया कि आरएम ये कह रहे हैं कि कोटक अब उन्हें नायका आईपीओ के लिए फाइनेंस नहीं कर सकता। अश्नीर हैरान रह गए, नायका एक अच्छी इन्वेस्टमेंट थी तो भला कोटेक को इसे फाइनेंस करने में क्या परेशानी थी। उन्होंने तुरंत अपने आरएम को कॉल करके पूछा कि आखिर बात क्या है। आरएम ने बताया कि मार्केट अभी ठीक नहीं है, अगर अश्नीर को कहीं से फाइनेंसिंग मिल भी गई तो ज्यादा से ज्यादा 20 करोड़ मिलेंगे, इसलिए नायका में पैसा लगाना फिजूल है। अश्नीर ने जवाब में कहा, तो फिर क्यों तुमने मुझसे 500 पेज साइन करवाए अगर तुम्हें आईपीओ फाइनेंस ही नहीं करनी थी तो। आरएम ने यूं ही बोल दिया कि किसी और कोटेक कस्टमर को फाइनेंसिंग नहीं दी गई है। लेकिन अश्नीर को सुहेल से पता चला कि कोटेक ने उन्हें नायका आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए 20 करोड़ रुपए दिए हैं। अश्नीर का मूड अब और खराब हो गया। उन्होंने अपने आरएम से एकदम सीधे सीधे बात करने का फैसला किया।
उन्होंने उनसे सीधे पूछा कि उनसे झूठ क्यों बोला जा रहा है जबकि बाकी कोटेक कस्टमर्स को आईपीओ फाइनेंसिंग दी जा रही है। लेकिन आरएम बात को गोल गोल घुमाता रहा। उसके बहाने और झूठ अश्नीर को कन्विंस नहीं कर पा रहे थे। अश्नीर ने कहा कि अगर ऐसी बात थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया ताकि मैं किसी और इंस्टीट्यूशन के साथ नेगोशिएट कर लेता। आरएम के अंदर इतनी कर्टसी भी नहीं थी कि उन्हें तभी इन्फॉर्म कर देते जब वो सारे जरूरी डॉक्यूमेंट साइन कर रहे थे। वो लोग बड़े ही रूखे और बेपरवाह ढंग से अश्नीर के सवालों का जवाब दे रहे थे। जब अश्नीर ने उनके सीनियर से बात करवाने को बोला तो आरएम ने अश्नीर का फोन उठाना बंद कर दिया। यह आरएम रू और सो ने सेंट्रम में भारत पे की ट्रेजरी हैंडल करने के दौरान काफी अच्छा बोनस कमाया था। इतना ही नहीं, ये लोग कोटेक में सबको बोलते फिरते थे कि अश्नीर ग्रोवर उनके बड़े खास क्लाइंट हैं जिनके लिए वो अभी भी काम करते हैं। लेकिन अश्नीर को एहसास हुआ कि रू और सो के अंदर गट्स नहीं है। वो सिर्फ उनके पैसे हैंडल कर रहा था जबकि अश्नीर को उसने बुरी तरह ट्रीट किया था। अश्नीर को इस बात का गुस्सा नहीं था कि उन्हें 20 करोड़ खोने पड़े बल्कि इस बात का था कि वो नायका आईपीओ में चाहकर भी इन्वेस्ट नहीं कर पाए। वो इस बात पर नाराज थे कि आरएम ने उनसे झूठ बोला। इस अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से अश्नीर ने भारत पे के जीसी सुमित सिंह से कोटक को एक लीगल नोटिस भेजने को कहा। इस लीगल नोटिस के जरिए अश्नीर ने कोटक के सामने डिमांड रखी कि या तो वो उन्हें आगे भी फाइनेंस करते रहें या फिर अपने आरएम की इम्प्रॉपर हैंडलिंग के लिए उन्हें हर्जाना दें। कोटेक कई महीने पहले से उन्हें आईपीओ के लिए फाइनेंस करने के लिए कमिटेड था और आईपीओ ओपनिंग के ठीक एक दिन पहले उन्होंने अश्नीर से सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करने को बोला था। लेकिन कोटेक की तरफ से भी अश्नीर को वही रूखा और रूट जवाब मिला जो उनके आरएम का था। कोटेक का कहना था कि उनकी तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं की गई थी और उनके लॉयर ये साबित कर सकते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है। अश्नीर के लीगल नोटिस का जवाब कोटेक ने कानूनी शब्दों के साथ दिया था। नायका आईपीओ की क्लोजिंग 1 नवंबर को हुई। अश्नीर ने मामले को और तूल देना ठीक नहीं समझा पर वो समझ चुके थे कि आज के बाद कोटेक वेल्थ मैनेजमेंट से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो फिर कभी आरएम या कोटेक के साथ काम नहीं करने वाले। इसके बाद अश्नीर ने पॉलिसी बाजार आईपीओ पर इन्वेस्ट किया। 8 करोड़ उन्होंने अपनी जेब से लगाए और 84 करोड़ IIFL की तरफ से फाइनेंस किया गया था जो कोटक की राइवल कंपनी थी। पॉलिसी बाजार के शेयर प्राइस बढ़कर 25% हो गए थे और अश्नीर ने 2 करोड़ कमाए। अब यहां से चीजें खराब होती चली गईं। 26 दिसंबर 2021 को अश्नीर और भाविक को एक ईमेल मिलता है जिसका सब्जेक्ट लाइन था अश्नीर एट हिज वर्स्ट। ये मेल किसी यूनिकॉर्न बाबा की तरफ से थी जिसके ट्विटर पर कई फॉलोअर्स थे। ईमेल में एक ऑडियो फाइल अटैचमेंट थी जिसमें अश्नीर की आवाज की रिकॉर्डिंग थी जब वो कोटेक में अपने आरएम से बात कर रहे थे। ईमेल में यूनिकॉर्न बाबा ने लिखा, मैं इस ऑडियो को पब्लिक कर दूंगा, ये जहर से भरा है, तुम लोगों को इस तरह से जान से मारने की धमकी नहीं दे सकते, व्हाट द फक। अश्नीर ने बात को हवा में उड़ा दिया। उन्हें पता था कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। उन्होंने कभी भी आरएम को जान से मारने की धमकी नहीं दी थी। उन्होंने सिर्फ उनसे जवाब और सफाई मांगी थी। अश्नीर अपना बचाव करने के लिए यूनिकॉर्न बाबा को जवाब देते रहे। उन्होंने भाविक से पूछा कि क्या वो इस शख्स को जानते हैं, तो भाविक ने बताया कि उनका एक कनेक्शन है। आखिरकार यूनिकॉर्न बाबा ने ऑडियो क्लिप डिलीट करने और मार्केटिंग सर्विसेज के बदले $240,000 की डिमांड रखी, यानी वो साफ तौर पर अश्नीर को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। ऐसे कई कारण थे जो इस इल्जाम को झूठा साबित करते थे। इसके अलावा आरएम सू ने खुद अश्नीर के ऑफिस आकर उन्हें न्यू ईयर विश किया था। आरएम को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने भी हंसकर इस बात को उड़ा दिया। जनवरी 2022 में शार्क टैंक का पहला शो टीवी पर आया। अश्नीर एक दिन सुबह उठे तो देखा कि उनके फोन पर मैसेज आ रहे हैं। मिकी मलका ने मैसेज किया था, ट्विटर पर एक ऑडियो फाइल ने तहलका मचा रखा है, क्या ये सच में तुम्हारी आवाज है? @BabuBongo नाम के एक अकाउंट से एक ट्वीट हुआ था जिसमें इस कैप्शन के साथ एक साउंड क्लाउड लिंक है, अमीर फाउंडर्स बैंक एम्प्लॉयज के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अश्नीर ने ट्विटर को डायरेक्टली लिखकर बताया कि यह किसी स्कैमर की तरफ से फेक ऑडियो क्लिप है जो उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। उसी शाम ट्विटर ने उस ऑडियो फाइल को डिलीट कर दिया, लेकिन लोग तब तक इसे यूट्यूब पर अपलोड कर चुके थे। कुछ दिन बाद अश्नीर को एक और बड़ा झटका लगा। उन्होंने जो लीगल नोटिस कोटेक को भेजा था और उसके बाद उनका जो जवाब आया था, वो सारी बातें मीडिया में लीक हो गई थी।
लेकिन इस लीगल नोटिस के बारे में सिर्फ अश्नीर, सुमित और कुटक को पता था। तो सवाल अब यह था कि आखिर इस लीगल नोटिस की कॉपी मीडिया के हाथ कैसे लगी। मीडिया ने जब कुटक से इस मामले पर कमेंट करने को कहा तो उन्होंने कंफर्म करते हुए कहा कि लीगल नोटिस वाकई में भेजा गया था और अश्नीर ने वाकई में उनके एम्प्लॉय को डराया धमकाया था। इस पॉइंट पर आकर अश्नीर को लगने लगा था कि उनके खिलाफ जरूर कोई साजिश हो रही है। मीडिया उन्हें एक विलन बनाने पर तुली हुई है, जबकि असल में कोटक और उनके एम्प्लॉयज ने उनके साथ बदसलूकी की है। ऊपर से अब वो टीवी पर आने लगे थे तो मामले ने और तूल पकड़ लिया था। उनके बारे में इंटरनेट पर नेगेटिव खबरें फैल रही थी। उन्होंने दिन रात एक करके भारत पे को सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मेहनत की थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नीचे गिराने की पूरी कोशिश की जा रही थी। अश्नीर ने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन छुट्टी लेकर आराम से बैठा जाए, बाद में मामला खुद ब खुद ठंडा हो जाएगा। भावेक, सुहेल और सुमित ने उन्हें बोला कि वो बोर्ड मीटिंग में उनकी छुट्टी की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे। इसी बीच अश्नीर ने रजनीश कुमार को प्रोफेशनल डायरेक्टर हायर किया। वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन रह चुके थे, जिनसे अश्नीर उस साल के शुरुआत में मिले थे। रजनीश को 50 लाख की एनुअल फीस और 2 करोड़ के ESOPs मिलने वाले थे, लेकिन अपने काम के पहले ही दिन उन्होंने अश्नीर से ESOP की रकम बढ़ाकर 3 करोड़ करने को कहा। यह उनकी बुरी नीयत की निशानी थी, जिसे अश्नीर को पहले ही समझ जाना चाहिए था। रजनीश कुमार अश्नीर की चौथी हायरिंग मिस्टेक थे, बाकी 3 थे सुहेल, सुमित और जसनीत। रजनीश ने कमेंट किया कि ऑडियो फाइल और लीगल नोटिस का मामला कुछ ज्यादा ही तूल पकड़ रहा है। उन्होंने कोटक के हाई लेवल पर बैठे शख्स से बात करने की कोशिश की है, क्योंकि वो खुद कोटक के फंड बोर्ड में थे। अश्नीर ने सोचा कि चलो मामला अब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। ये तो बस अभी शुरुआत थी। The Ultimate Deception। अश्नीर का भारत पे को छोड़ना स्टार्टअप बिजनेस की दुनिया में विवादों से घिरा सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था, और इसके पीछे मीडिया और उनके अपने इन्वेस्टर्स का बड़ा हाथ था, जिन्होंने अश्नीर के खिलाफ साजिश रची थी। हम अब उन इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके चलते अश्नीर को बाहर होना पड़ा। तो ये कुछ किरदार और अश्नीर के खिलाफ और उनके मकसद हैं। इस बात का ध्यान रखें कि जो घटनाएं घटी हैं वो अश्नीर के अनुसार हैं। शाश्वत नाकरानी। 20 साल का ये IIT दिल्ली का ड्रॉप आउट सही समय पर सही पोजीशन पर पहुंच गया था। उसने बैठे बैठे करोड़ों कमाए। शाश्वत बड़ी आसानी से सुहेल की बातों में आ गया था, जिसने अश्नीर के खिलाफ चाल चली थी। उसने एक यंग को फाउंडर डायरेक्टर और शेयर होल्डर के एग्रीमेंट SHA पर साइन करने की अथॉरिटी होने के नाते दूसरों की बातों में आकर अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया था। शाश्वत का बोर्ड मीटिंग या भारत पे को इन्वेस्टमेंट दिलाने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। उसे इनसिक्योरिटी तो हुई ही होगी, क्योंकि अश्नीर ही कंपनी का इकलौता चेहरा थे। अश्नीर लगातार मेहनत कर रहे थे और इन्वेस्टर्स के सामने शाश्वत को कवर करते जा रहे थे, ताकि शाश्वत IIT दिल्ली से अपनी डिग्री पूरी कर सके। लेकिन इसके बावजूद इस पूरे मामले के दौरान शाश्वत ने एक बार भी अश्नीर की कॉल नहीं उठाई। भाविक कोलाडिया। अश्नीर को सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि भाविक ने भी उनकी पीठ पर छुरा घोंपा। अश्नीर खुद को जूलियस सीजर से कंपेयर कर रहे थे, जिन्हें उनके अपने ही बेटे ब्रूटस ने मार डाला था। यहां यह बात नोट करने लायक है कि भाविक पर US में क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी का मामला चला था, और जब इस फ्रॉड के चलते उन्हें इंडिया आने पर मजबूर होना पड़ा तो ये एक मौका था उनके लिए। वो खुद को सुधारने का एक मौका ढूंढ रहे थे। सिर्फ अश्नीर ही थे जिन्होंने भाविक को यह मौका दिया था, और इसलिए उन्होंने शाश्वत को भारत पे का आइडिया भी बताया और को फाउंडर बनाया। भाविक अश्नीर के घर मालवीय नगर में पूरे साल भर बिना किराया दिए रहे थे। अश्नीर की वाइफ माधुरी ने भाविक की वाइफ को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए करोड़ों रुपए का लोन दिया था। तो क्या उस रात जब वो लोग ड्रिंक कर रहे थे, सुहेल और सुमित ने भाविक के दिमाग में अश्नीर के खिलाफ जहर भरा था, या फिर उन्होंने भाविक से वादा किया था कि एक बार अश्नीर कंपनी से निकल जाएगा तो उसे अपने शेयर्स वापस मिल जाएंगे। सुहेल समीर। शायद वो इसलिए इनसिक्योर था क्योंकि अश्नीर ने कहा था कि वो लोग एक नया CFO रखेंगे।
जो कि सुहेल ने सोचा होगा कि उसके काम में टांग अड़ाएगा। अश्नीर ने सुहेल को 11 करोड़ की ESOP दी जो उसे एक साल बाद मिलने वाली थी। किसी भी इंडियन स्टार्टअप में आज तक इतनी बड़ी रकम किसी को नहीं दी गई है। अश्नीर ने सुहेल को CEO और बोर्ड में डायरेक्टर भी बनाया, और बदले में अश्नीर को क्या मिला? धोखा। अश्नीर ड्रिंक नहीं करते और सुहेल ने इस बात का पूरा फायदा उठाया। वो ही था जो भावेक और शाश्वत को ड्रिंक पर इनवाइट करता था और अश्नीर के खिलाफ उन्हें भड़काता था। सिकोया। शुरुआत में सिकोया भारत पे में इन्वेस्ट करने से पीछे हट रहा था, लेकिन इन्वेस्ट करने के बाद वो 19% रेट के साथ सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। उनकी इक्विटी थी $500 मिलियन की। सिकोया के मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेंद्र सिंह 10 सालों तक पाइन लैब्स में इन्वेस्ट करते रहे। उन्हें उम्मीद थी कि पाइन लैब्स अपना IPO लाएगी और सिकोया को बहुत बड़ा रिटर्न देगी, मगर ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि अश्नीर ने पोस्ट पे और बैंकिंग लाइसेंस को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपनी जान लगा दी थी। हालांकि जब अश्नीर ने रिजाइन कर दिया था तो सिकोया को सबसे ज्यादा फायदा हुआ था भारत पे और पाइन लैब्स को मर्ज करके। अगर वो कंपनी में होते तो इस डिसीजन को कभी भी हरी झंडी नहीं दिखाते। मिली मलका। उन्हें लगता था कि US फंड्स जो भारत पे में इन्वेस्ट हुए थे सबसे पहले उनकी वजह से ही हुए, लेकिन क्या वो इस बात को लेकर चिंतित थे कि अश्नीर की प्रॉब्लम के चलते भारत पे का लाइसेंस रद्द हो सकता है, या फिर वो अंदर ही अंदर इस बात से दुखी थे कि अश्नीर ने शार्क टैंक ज्वाइन कर लिया है और एक पब्लिक फिगर बन गए हैं, इसलिए शायद वो सोच रहे होंगे कि अश्नीर को उसकी सही जगह दिखाई जाए। रजनीश कुमार। ये SBI के फॉर्मर चेयरमैन थे जिन्हें अश्नीर ने प्रोफेशनल डायरेक्टर के तौर पर हायर किया था और बोर्ड में इन्वाइट किया, लेकिन रजनीश ने आते ही दिखा दिया था कि उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, कंपनी के विजन से उनका कोई लेना देना नहीं है। अश्नीर ने शायद इस बात को कम आंका था। काम के पहले ही दिन रजनीश ने डिमांड रखी कि उनका ESOP 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया जाए। यहां तक कि उन्होंने अश्नीर से यह भी कहा कि वो उन्हें DLF गोल्फ कोर्स की फ्री मेंबरशिप दिलाए। सुमित सिंह। वो जनरल काउंसिल थे जो अश्नीर की वजह से ही अपने पहले फॉरेन ट्रिप पर गए थे। सुमित शायद इस बात से चिढ़े बैठे थे कि जैसी लाइफस्टाइल की उन्हें ख्वाहिश थी अश्नीर ने उन्हें नहीं दी। शायद वो तभी से बदले की फिराक में थे जब अश्नीर ने उनसे पूछा था कि जब से वो GC बने हैं कंपनी की लीगल कॉस्ट क्यों लगातार बढ़ती जा रही है। सुमित एक लॉयर थे, लेकिन उन्हें गलतफहमी थी कि वो बिजनेस मैटर्स हैंडल करने में एक्सपर्ट हैं। अश्नीर की नजर में सुमित डींगे मारने वाला और पीठ में छुरा घोंपने वाला शख्स था जो अश्नीर की कामयाबी से जलता था। ये तो रहे वो लोग जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब देखते हैं कि कैसे इन्होंने अश्नीर के खिलाफ साजिश रची। अश्नीर ने इसे 6 फेजेस में समझाया है। फेज 1, January 16 to 19 तक अश्नीर को टेम्पररी लीव पर भेजकर बोर्ड का कंट्रोल लेना। अश्नीर ने सोचा कि शायद 14 जनवरी को ही अनरिकॉर्डेड मीटिंग में उनकी वॉलंटरी लीव को रिजेक्ट कर दिया गया होगा। उन्होंने 17 जनवरी 2022 मंडे को वापस ऑफिस जाने का फैसला किया। उन्होंने मिकी मलका को व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि वो ऑफिस आ रहे हैं। मिकी ने जवाब में 6 शर्तें रखी थी, जैसे कि पहले बोर्ड की अप्रूवल चाहिए होगी और कुछ रिस्क असेसमेंट करना होगा। इससे अश्नीर को साफ समझ में आ रहा था कि यह सब कोटक मामले से जुड़ा हुआ नहीं था। 18 जनवरी को उनकी जूम पर बोर्ड मीटिंग हुई। मिकी ने प्रपोजल रखा कि अगर अश्नीर वॉलंटरी लीव ले ले तो भारत पे के लिए काफी अच्छा रहेगा। अश्नीर ये देखकर और भी शॉक्ड रह गए कि शाश्वत, सुमित और सुहेल भी इस बात से सहमत थे। वो सब कुछ दिन पहले ही उनके घर पर मौजूद थे और बोल रहे थे कि वो उनके लीव प्रपोजल को रिजेक्ट कर देंगे। भावेक ने कॉमेंट किया कि वो उसे छुट्टी पर क्यों भेजेगा, हमें अश्नीर की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन बाद में भाविक भी दूसरों की हां में हां मिलाने लगा और कहा कि अश्नीर को छुट्टी पर भेजने का आइडिया बुरा नहीं है। रजनीश कुमार को हालांकि वोट देने का हक नहीं था, तो भी वो इस बात के पक्ष में थे कि टीम अगर अश्नीर को छुट्टी पर भेजना चाहती है तो ये सही डिसीजन है। सुहेल ने भी ये डिमांड रखी कि माधुरी को भी रिजाइन कर देना चाहिए। उसने कहा कि इन्वेस्टर्स हर्षजीत और मिकी भी माधुरी को कंपनी से बाहर करना चाहते हैं। फेज 2, January 19 to 26, लॉयर और अकाउंटेंट को हायर करना।
अश्नीर की टेम्पररी लीव को परमानेंट लीव में बदलने का प्लान बनाना। 18 मिनट की इस मीटिंग में यह पढ़ा गया कि अश्नीर ने वॉलेंटरी लीव की रिक्वेस्ट की है, जो कि असल में अश्नीर ने कभी की ही नहीं थी। इसमें यह भी बताया गया कि माधुरी का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन यह एकदम इम्पॉसिबल बात थी क्योंकि माधुरी ने रेजिग्नेशन लेटर तक नहीं दिया था। अश्नीर ने बोर्ड को यह लिखा कि भावेक जो ना तो शेयर होल्डर है और ना ही कंपनी के एम्प्लॉय, आखिर किस बेस पर इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। अश्नीर ने यह भी पूछा कि आखिर क्यों उन्हें छुट्टी लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अश्नीर के इन सवालों का जवाब किसी ने नहीं दिया, बल्कि अश्नीर को सुहेल की एक मेल मिली कि माधुरी को टेम्पररी लीव पर डाला जा रहा है क्योंकि वो लोग कॉरपोरेट गवर्नेंस मामलों की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। यानी अश्नीर की तरह ही वो भी अब ऑफिस नहीं जा सकती थी। भावेक और अश्नीर पंचशील क्लब में मिले। भावेक ने बताया कि उन्हें कोई नॉलेज नहीं है कि कंपनी में क्या हो रहा है, ये सब सुहेल की प्लानिंग है। अश्नीर ने भावेक को याद दिलाते हुए कहा कि 18 जनवरी को हुई बोर्ड मीटिंग में क्या भावेक ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया था। अश्नीर को लगा कि शायद भावेक बस ये जानना चाहता था कि अब अश्नीर आगे क्या करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अगर भावेक वाकई में कोई एक्शन लेना चाहता है तो उन्हें शाश्वत से बात करके सुहेल को बोर्ड से हटाना चाहिए। भावेक मान गए, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फेज 3, 26 जनवरी से 18 फरवरी तक। एक फेक इन्वेस्टिगेशन करके, सब कुछ मीडिया में लीक करके अश्नीर और माधुरी को रिजाइन करने के लिए मजबूर करना। फेज 4, 18 फरवरी से 1 मार्च। माधुरी को बड़ी आसानी से हटा देना, जो कि SHA के अंडर प्रोटेक्टेड नहीं थी। मीडिया में बातें लीक करते रहना और अश्नीर को SHA के अंडर हटाने के कारण ढूंढना। फेज 5, मार्च 1, द एंड गेम। इतना सब होने के बाद अश्नीर ने डिसाइड कर लिया था कि अब बस बहुत हो गया। वो अपने दुश्मनों को अब और मौका नहीं देंगे, बल्कि खुद रिजाइन करके कंपनी से बाहर हो जाएंगे। उन्होंने अपने लेटर में लिखा कि पिछले 3.5 सालों से जिस कंपनी को खड़ा करने और सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया था, उसी कंपनी को छोड़ते हुए आज उन्हें बेहद तकलीफ हो रही है। जनवरी से अश्नीर और उनकी फैमिली पर बेबुनियाद इल्जाम लगाकर उन्हें परेशान और टॉर्चर किया जा रहा है। वो अपने ही मैनेजमेंट और इन्वेस्टर्स के खिलाफ लड़कर अपना कीमती वक्त जाया कर रहे हैं, और इस पूरे वाकये के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान भारत पे को हुआ है। अश्नीर ने चैलेंज देते हुए कहा कि इस बात से कोई इनकार करने की हिम्मत नहीं कर सकता कि आज भारत पे जहां पर है अश्नीर ग्रोवर की वजह से है। अश्नीर ने इस बात पर भी जोर दिया कि वो अभी भी कंपनी के सबसे बड़े इंडिविजुअल शेयर होल्डर हैं। अब हम इसे खत्म करते हैं, ये अश्नीर के आखिरी शब्द थे। 1 मार्च, 12:03 सुबह अश्नीर ने अपना रेजिग्नेशन लेटर भेजा। वो इस खास वक्त का इसलिए इंतजार कर रहे थे क्योंकि उनके कई रेस्ट्रिक्टेड शेयर्स फरवरी एंड तक रिलीज होने वाले थे। उस पैसे पर उनका पूरा अधिकार था और वो अपने दुश्मनों को कोई मौका नहीं देना चाहते थे कि वो उनकी मेहनत की कमाई उनसे छीने। उस सुबह अश्नीर ने टीवी पर 2 इंटरव्यू दिए, एक ET नाउ पर और दूसरा CNBC TV18 पर। उन्होंने देखा कि शिरीन भान अपने ईयरफोन पर किसी से बात करने की कोशिश कर रही थी। अश्नीर को लग रहा था कि शायद उनके खिलाफ साजिश करने वालों ने शिरीन को भी खरीद लिया था, क्योंकि इंटरव्यू वीडियो में यह बात साफ साफ नजर आ रही थी। फेज 6, 1 मार्च के बाद। मीडिया में फेक न्यूज देकर अश्नीर को पब्लिक ट्रायल पर रखना। अश्नीर की ऐशो आराम वाली लाइफस्टाइल के बारे में अफवाहें फैलने लगी। जहां तक कि उनकी लग्जरी गाड़ियों का सवाल है, तो अश्नीर ने बताया कि वो गाड़ियां उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी हैं। इसमें एक और इंटरेस्टिंग फेक न्यूज ये थी कि उनके पास 10 करोड़ की डाइनिंग टेबल है। अश्नीर के एक कलीग जब उनके घर आए थे तो अश्नीर ने उन्हें यह कहा कि यह टेबल बहुत भारी है। भारी से उनका मतलब है कि टेबल 150 किलो की है, लेकिन मीडिया में भारी का मतलब महंगा कर दिया गया और टेबल को 150 किलो के बजाय $150,000 का बता दिया गया। अगर अश्नीर के पास 10 करोड़ रुपए होते तो वो उसे भारत पेपर लगाते और उन हजारों लोगों के लिए जॉब क्रिएट करते जिन्हें अपने परिवार का पेट भरना है। वो खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, इसलिए वो इनका दर्द बेहतर समझते हैं। और इस तरह अश्नीर ग्रोवर ने भारत पे से ऑफिशियली रिजाइन कर दिया, लेकिन वो आज भी $240 मिलियन वर्थ की
8.43% इक्विटी के साथ कंपनी के सबसे बड़े इंडिविजुअल शेयर होल्डर हैं। और अब वो मोड़ जिसे हम कहते हैं कंक्लूजन। आइए, हमने अभी तक जो पढ़ा और सुना उसे और भी समराइज वे में समझते हैं। तो आपने इस समरी में अश्नीर ग्रोवर की क्रेजी स्टोरी जानी, लेकिन इससे उन्हें दुनियादारी का पता चल गया कि कौन उनके सच्चे दोस्त हैं और कौन नहीं। बेशक इतने सालों में उन्हें जो अनुभव हुए उसने उन्हें सिखाया कि असली दोगलापन क्या होता है। उनके लिए दोगलेपन का मतलब है सक्सेस में फेलियर और फेलियर में सक्सेस। भारत पे से अलग होना उनके लिए एक ऐसा सबक था जिसने उन्हें सिखाया कि लाइफ में उनके लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है, और उन्हें हर मुश्किल घड़ी में शांत और समझदार बने रहने के मौके दिए। तो अश्नीर अपनी इस बुक के जरिए अपने रीडर्स तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि वो एक बुरे हादसे का शिकार हुए हैं, या वो अपने रीडर्स के सामने एक सुपर हीरो की इमेज रख रहे हैं जो कभी हार नहीं मानता? असल में वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि रीडर्स उनकी स्टोरी से कनेक्ट करें, उनके एक्सपीरियंस से सीखें, और वो चाहते हैं कि हम उनके सक्सेस और उनके फेलियर से 5-5 सबक सीखें। जितने पैसे आप इस बुक को खरीदने पर खर्च करते उसके बदले आप बियर या पिज्जा ले सकते थे। उनकी कहानी जानने के लिए आपने अपना जो कीमती वक्त दिया है उसे आप कहीं और यूज कर सकते थे। इसीलिए अश्नीर ये मानते हैं कि एक रीडर होने के नाते आपका उन पर एहसान है, और इस एहसान की भरपाई वो आपको ऐसे वैल्यूएबल लेसन देकर करना चाहते हैं जो आपका फ्यूचर संवार सके। तो ये हैं वो 5 लेसन जो हम उनकी सक्सेस से सीख सकते हैं। पहला, आपके अंदर एक आग होनी चाहिए। आप जो लाइफ में चाहते हैं आपके अंदर उसे पाने की भूख होनी चाहिए। अश्नीर एक आम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि गरीबी इंसान को कुछ कर दिखाने की हिम्मत देती है, क्योंकि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तो आप दुगनी मेहनत करते हो। अपने सपनों की जिंदगी जीने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीखो। दूसरा, एक स्टेबल जॉब के भरोसे आप अमीर नहीं बन सकते। अश्नीर ये नहीं कहते कि जॉब करना गलत बात है। उनके पिता सीए थे और उनकी मां टीचर। उन्होंने खुद 9 साल जॉब की है, लेकिन असली बात तो यह है कि अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपकी रेगुलर जॉब से वो पूरे नहीं हो पाएंगे। अगर आप में एक बिजनेसमैन बनने का सब्र और भूख है तो आप इतना कमा सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तीसरा, अपने अंदर एक ऐसा इंसान बनने की इच्छा रखो जो ज्यादा सक्सेसफुल हो। हम अक्सर बच्चों को अमीरों से बचकर रहने की सलाह देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे बच्चे कहीं बिगड़ न जाएं। लेकिन अश्नीर इसके एकदम अपोजिट सोचते हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के साथ टाइम बिताना चाहिए जो हमसे ज्यादा सक्सेसफुल और अमीर हैं। अगर अमीर आदमी आपको घर इन्वाइट करे तो जरूर जाओ, उसकी लाइफस्टाइल ऑब्जर्व करो और सीखो कि वो कैसे सब कुछ अफोर्ड करता है। इससे आपको यह सोचने का मौका मिलेगा कि अगर वो ऐसा कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। चौथा, दूसरों को भी काम सौंपो। एक फाउंडर का काम है लोगों को टास्क देना ताकि वो कंपनी के बड़े काम पर फोकस कर सके। स्कूल में हमें इंडिपेंडेंट और स्किल्ड बनना सिखाया जाता है, लेकिन हमें यह नहीं सिखाया जाता कि लोगों को कैसे मैनेज करें। एक लीडर कोई वन मैन आर्मी नहीं होता। उसे अपना माइंडसेट काम करने से लीड करने पर शिफ्ट करना चाहिए। पांचवा, यह मत सोचो कि किसी इंसान ने किसी स्पेशल मौके पर तुम्हारे लिए क्या किया। यह मत सोचो कि अगर यह चीज आज नहीं हुई तो फ्यूचर में भी नहीं होगी। दूर की सोचो। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर एक वीसी ने सीरीज ए के समय भारत पे में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया था, तब भी अश्नीर उन्हें सीरीज डी के लिए फिर से अप्रोच करते थे। एक फाउंडर के तौर पर आपको अपनी स्टोरी सबके सामने रखनी चाहिए, चाहे वो सीईओ हो, इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स या फिर लो रैंकिंग एम्प्लॉयज हों, क्योंकि कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए बेटर है कि जितना हो सके आप अपनी स्टोरी को फैलाओ। सिर्फ अपना फायदा मत देखो बल्कि सहयोग करके चलना सीखो। अब हम यहां उन 5 लेसन की बात करेंगे जो अश्नीर ने अपने फेलियर से सीखे। पहला, अगर आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप पर फोकस रखो। यही आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपके पास एक प्रोडक्ट है जिसे खरीदने वाला आपका कस्टमर है, लेकिन ऐसे कई कारण हैं कि आपके को फाउंडर्स, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, एम्प्लॉयज और कॉम्पिटिटर्स आपके और आपके कस्टमर्स के बीच में आ जाते हैं।
तो क्या आप तैयार हैं उन सबको अपनी कमाई में हिस्सा देने के लिए? सबको देने के बाद आपके पास जो बचता है वो आपका प्रॉफिट है, तो क्या आप इस प्रॉफिट से खुश हैं? दूसरा, इन्वेस्टर भगवान नहीं है। एक एम्प्लॉई आपको अपनी मेहनत देता है, फाउंडर ग्रोथ देता है, और इन्वेस्टर का काम है कैपिटल देना। तो इन्वेस्टर सबसे ऊपर कैसे हो गया? सिर्फ इसलिए कि उसने पैसा लगाया है? ये मत भूलो कि कंपनी की सक्सेस आपके कस्टमर्स के साथ आपके रिलेशनशिप पर बेस्ड है। आप इन्वेस्टर्स के नौकर नहीं हैं, और ये बात उन्हें बताना जरूरी है। तीसरा, अपनी फैमिली में से किसी को बोर्ड में सीट दो। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को कॉपी मत करो। इंडिया में जितने भी बड़े सक्सेसफुल बिजनेस हैं फैमिली ओन्ड हैं, यानी फैमिली मेंबर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं। यहां तक कि टेक इंडस्ट्री में भी बड़े बड़े प्रॉफिटेबल बिजनेसेस भी फैमिली मेंबर्स मिलकर चला रहे हैं। आपके पास US इन्वेस्टर्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनका कॉन्सेप्ट भी कॉपी कर लें। अच्छे और बुरे वक्त में सिर्फ आपकी फैमिली ही आपके काम आएगी, न कि आपके इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज, और ना ही 20-20 साल पुराने दोस्त। चौथा, जो आपका हक है उसे लेने में पीछे मत हटो। जब भी मौका मिले अपने स्टॉक्स को पैसों में बदलते रहो। एक फाउंडर होने के नाते आपके बैंक अकाउंट में कैश होना जरूरी है। अपने इन्वेस्टर्स से और शेयर मांगो। अपने एम्प्लॉयज को कभी उनके एनुअल सैलरी से ज्यादा लिक्विडिटी मत दो। अश्नीर ने ESOP होल्डर्स को इतना कैश दिया था जितना देश में किसी और फाउंडर ने नहीं दिया। उन्होंने 80 से 250 गुना ज्यादा रिटर्न दिए, पर किसी ने भी इस पूरे मामले के दौरान एक बार भी अश्नीर के सपोर्ट में कुछ नहीं कहा। पांचवा, कुछ खास प्रोफेशन से सावधान रहो। ड्रग बेचने वाले, वेश्याओं, बैंकर, जर्नलिस्ट और लॉयर, ये कुछ ऐसे प्रोफेशन हैं जहां इंसान को सोच समझकर डील करना चाहिए। ये आपके सामने कुछ और बनने की कोशिश करते हैं, पर इनका असली चेहरा बाद में नजर आता है। जो कुछ अश्नीर ने शेयर किया है उसके साथ ही वो आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एनकरेज करते हैं। वो ये नहीं कहते कि खुद का बिजनेस मत करो, बल्कि सावधान रहो और हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। गलती सबसे होती है, पर गलती रिपीट मत करो। अश्नीर जो बोलते हैं सीधे और बेबाक बोलते हैं। अब आप चाहे उन्हें पसंद करें या ना पसंद, यह आप पर है। अश्नीर कहते हैं कि जब तक लोग उनकी स्टोरी सुनकर इंस्पायर होते रहेंगे और उनके सबक से सबक सीखेंगे, वो अपनी बुक को सक्सेसफुल मानते रहेंगे। उनकी कहानी से अगर आपकी जिंदगी में कोई पॉजिटिव बदलाव आता है तो अश्नीर ग्रोवर इसे अपनी एक बड़ी उपलब्धि मानेंगे। इसी मोड़ पर यह समरी यहीं पर समाप्त होती है, और मेरे ख्याल से आप राजी होंगे इस बात पर कि इस समरी में भर भर कर सीख है, सबक है, लेसन्स हैं, आइडियाज हैं। एक वर्ड में अगर आपको इस समरी के बारे में कुछ लिखना हो, जो इस समरी को पढ़कर आपको एक्सपीरियंस हुआ, तो वो वर्ड क्या होगा, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे। कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। इंतजार रहेगा आपके कमेंट का, और ये वादा कि बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। मगर हाँ, आपको भी ये वादा करना है कि और आज आपने इस समरी से जो कुछ भी सीखा वो एक शख्स के साथ तो शेयर करना ही करना है। करते हैं वादा। थैंक यू सो मच।